हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है सरफिरा तो ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियल है आपको थिएट्रिकली और ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएगी उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत होने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं सर जो दो हज़ार चौबीस के इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कौंगरान। सुधा कोंगरा ने सुधा कोंगरा ने डायलॉग्स पूजा तोलानी के थे स्क्रीन प्ले सुधा कोंगरा और सालिनी उषा देवी ने लिखा हुआ है सुधा कोंगरा के ऊपर बातचीत करें तो एक साउथ इंडियन डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले कई ऐसी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है जो हिंदी में एक साला खड़ूस करके आई थी वो फिल्म उन्होंने ही डायरेक्ट की हुई थी तो वो उन्होंने 2020 में एक सूरा राय पोत्रू करके फिल्म बनाई हुई थी सूरा राय पोत्रू का मीनिंग होता है प्रेज द ब्रेव यानी कि बहादुरी को आप सराहना करो तो वो एक 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म थी एक सिंपली डेक्कन करके बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था सिंपलीफाई अ डेक्कन ओडेसी करके एक बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ था तो वहाँ पे सूर्या ज्योति का उसके द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सूर्या अपना बाला मुरली परेश रावल उसमें लीड रोल में थे उसको डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे सूर्या राय, राय पोत्रू को हिंदी डब में उड़ान नाम के साथ गोल्ड माइंड ने ख़रीद कर अमेजन प्राइम वीडियो को ही बेचा हुआ था हिंदी डब वर्जन तो उड़ान को नाम से वहाँ पर प्रीमियर हुआ था तो सूर्या राय पोत्रू ने काफ़ी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया था तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और उड़ान नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में और फिल्म ने काफ़ी वाहवाही बटोरी हुई थी उसी समय इस फिल्म के रीमेक के राइट्स बेच दिए गए थे हिंदी वर्जन के रीमेक के राइट्स खरीदे गए थे जहाँ पे सुधा कोंगरा को ही अप्रोच किया गया था एज ए डायरेक्टर के तौर पे इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो अरुणा भाटिया विक्रम मल्होत्रा ज्योतिका और सूर्य के द्वारा इस फिल्म को अबूदंतिया एंटरटेनमेंट टू एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक अच्छे बजट में बनाया हुआ है वैसे उड़ान फिल्म सभी लोगों ने देखी हुई है लेकिन अक्षय कुमार को लेते हुए हिंदी वर्जन बनाया हुआ है तब जिन्होंने उस फिल्म को डब फिल्म को नहीं देखा है या अक्षय कुमार की फ़ैन है उनके लिए फिल्म डेफिनेटली एक अच्छी वर्क करेगी क्योंकि डायरेक्टर सेम है तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम ही रहने वाली है सिर्फ लोकेशंस और जो एक नॉर्थ इंडियन साइड थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की जाएगी जो एक नेटिविटी के हिसाब से चीज़ों को चेंज किया जाएगा इस फिल्म को महाराष्ट्र में बेस्ड किया हुआ है वो फिल्म तमिलनाडु चेन्नई में बेस्ड थी इस फिल्म की कास्ट में आपको अक्षय कुमार देखने को मिल देंगे राधिका मदन और परेश रावल तो परेश रावल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी निकेत बोमी रेड्डी ने की हुई है एडिटिंग है वो सतीश सूर्या ने की हुई है इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश तनिष बागची और सुहित अभियंकर के द्वारा कंपोज किए हुए जंगली म्यूज़िक के द्वारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए इसके अलावा इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी आपको ही सुनने को मिलेगा क्योंकि इस फिल्म का जो और एक बात और है इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि सोरा राय ने भी उ, उन्होंने ही कंपोज किया उन्होंने, ही का, उन्होंने मतलब कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जी वी प्रकाश कुमार ने ही ओरिजिनल गानों को कंपोज किया हुआ है यानी कि ओरिजिनल वर्जन था उसका जो उसके जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स उनके ही द्वारा कंपोज किए गए थे तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों जिस वजह से इसमें भी उनको रिप्राइज किया हुआ है तो शायद आपको म्यूजिक भी लगभग लगभग सेम सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर तो डेफ़िनेटली सेम होगा गानों में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे अभी तक तो एक दो ही गाने इस फिल्म के रिलीज़ किए गए हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे जहाँ पे गानों को जंगली म्यूज़िक ने टाइम्स म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ किया हुआ क्योंकि वही ओन करता है उस यूट्यूब चैनल को उस कंपनी को कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार वीर महात्रे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे परेश रावल ने परेश गोस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के एंटागोनिस्ट है राधिका मदन वीर की वाइफ का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी आर शरद कुमार ने वीर के कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स में है वो वही रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने वीर का माँ का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या के केम्यो डेफिनेटली देखने को मिलेगा वो किस तरह से एड किया है वो पता नहीं लेकिन केम्यो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस फिल्म की कहानी भी वही सोरा रय पोत्रू की तरह बनाई गई है जहाँ पे जो सिंपलीफ्लाई या डेक्कन ओडिसी करके जो बुक है उससे इंस्पायर्ड होकर इसको चेंज इसको बनाया हुआ है डेफ़िनेटली इस फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे लेकिन बेसिक पॉइंट है वो सेम रहेगा एक वीर महात्रा नाम का इसमें व्यक्ति दिखाया जाएगा जो एक एयरफोर्स में कमांडिंग ऑफिसर है बाद में उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घंट घटनी घटती है उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो एक एयरलाइंस स्टार्ट करेगा ऐसी एयरलाइंस बनाएगा जो लो इनकम पीपल है जिसकी कमाई कम है वो इस फिल्म में दिखाया गया कि वो उसमें सफ़र कर पाए और ये डेफिनेटली पास्ट में बनी ही ये सभी चीज़ें हुई है जहाँ पे जी आर गोपीनाथ के द्वारा जो बुक लिखी गई थी तो वही बुक के ऊपर इस फिल्म को डेवलप किया बनाया हुआ तो ट्रू स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें कि जन बारह जन जुलाई दो हज़ार इक्कीस को ज्योतिकार सूर्या के द्वारा इस फिल्म के टू डेट ने अनाउंस किया था कि वो सूर्य राय पोत्रू का रीमेक वर्जन है हिंदी वो प्रोड्यूस करने वाले जहां पे सुधा कोंगरा ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जहां पे इस फिल्म के रीमेक के लिए वो विक्रम मल्होत्रा जो अभि अभुंतिया एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है उसके साथ कोलॉबरेट करने वाले रिपोर्ट एटली पता चला था कि अजय देवगन जॉन अब्राम अक्षय कुमार ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स को सूर्या का जो रोल था उसके लिए अप्रोच किया जा रहा है कंसिडर किया जा रहा है लेटर ऑन बाद में चीज़ें पता चली जिस तरह से जो एक्टर्स बिजी थे उस हिसाब से चेक चेक किया गया तब अगस्त में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि आ, इस फिल्म में जो को प्रोड्यूसर है वो ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर सीखे एंटरटेनमेंट ही होने उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की हुई थी कि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उनके साथ कुछ बातचीत नहीं हुई रिमिक के राइट्स के ऊपर हाउ लेटर ऑन अबोदया एंटरटेनमेंट ने सभी चीज़ों को आ, विदाउट कंसन सभी चीज़ों को हम पेश किया होता कोर्ट में जा बाद में अर्ली सेम में केस के को क्लोज़ किया गया था सिक्ख्या एंटरटेनमेंट इस प्रोडक्शन में नहीं जुड़ी थी अक्षय कुमार को बाद में अनाउंस किया गया 25 अप्रैल 2022 को कि वो सूर्या का रोल रिप्राइज करने वाले और वही इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी करेंगे इस फिल्म की पूजा सेरेमनी मुंबई में रखी गई थी जहाँ पे कास्ट और क्रू मेंबर शामिल थे जहाँ पे बताया गया राधिका मदन और परेश रावल भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था तेरह फरवरी दो को फिल्म की जब रिलीज डेट अनाउंस की गई उसके साथ ही अनाउंस किया गया था बारह जुलाई दो हज़ार रिलीज डेट फिक्स की गई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो पहले शेड्यूल के साथ मुंबई में 25 अप्रैल 2022 को स्टार्ट की गई थी राधिका मदन ने अपने पोर्शन की शूटिंग थी तेईस अक्टूबर तक कंप्लीट करवाई थी उसके बाद में 2023 तक इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम ले जाया गया था और फिल्म की प्रॉपर रिलीज डेट के लिए इस फिल्म को बाद में दो के लिए पोस्टपोन किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनल फिल्म में जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज़ किए थे वो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए जहाँ पे जी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए वैसे सॉन्ग्स में उनको तनिज भाग्य और सुहित अभियानकर की भी मदद मिली हुई है लिरिक्स में मनोज मुंतासिर श्लोक लाल तनिस बागची जैसे कंपोज़र भी जुड़े हुए थे लिरिस्ट जुड़े हुए थे अप्रैल 2022 में अनाउंस किया गया था कि जी प्रकाश के द्वारा कि वो इस फिल्म का पहला गाना कंपोज किए हुए जहाँ पे सेकंड कोलाब्रेशन है सुधा कोंगारा के द्वारा उनके सुसुराराई पोत्र के बाद और अक्षय कुमार के द्वारा दो सात पहला कोलाब्रेशन है म्यूजिक के राइट्स जंगली म्यूजिक ने खरीदे हुए थे उन्होंने टाइम्स म्यूजिक के चैनल के ऊपर इसका पहला गाना रिलीज़ किया मार उड़ी जिसको चौबीस जून दो को रिलीज़ किया गया था आ, लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर ने और म्यूजिक वी प्रकाश कुमार ने दिया हुआ था यादव कृष्णन सुगंधा शेखर और हस्तोन रोड्रिगस और अभिजीत राव ने उसको गाया हुआ था तो ये इतने सिंगर्स थे जिन्होंने गाना गाया था इस गाने को एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में टाइम्स म्यूजिक के द्वारा सत्ताईस जून दो हज़ार चौबीस को इसका सेकंड जहाँ पे खुदाया करके उस गाने का नाम रखा हुआ था उस गाने को लिखा हुआ था मनोज मुंता शुक्ला ने वहीं पर सिंगर थे सागर भाटी सुत अभ्यंकर म्यूजिक का प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और कोरस अरेंजमेंट सुभियांकर ने किया हुआ था म्यूजिक का सुपरवाइजर थे अजीम दयानी मेगा और विकास बाली रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे अवधूत वाटकर मोहसिन राजा और अभियर रोमेट ने उसके बाद में मिक्स और मास्टरिंग एरिक पिल्लाई ने की हुई थी टबला ढोलक का काम इस्ती ने किया हुआ था और इस गाने को पूरी तरह से कंपोज किया हुआ था जी वी प्रकाश कुमार ने और इस गाने को जब रिलीज़ किया गया टाइम्स म्यूजिक के ऊपर वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म के जो गाने हैं जो सुनने को अभी तक मिले दो गाने वो डेफिनेटली फिल्म का जो जो एक बैकग्राउंड uh, बताया गया जिस तरह से फिल्म के एक माहौल में बनाया गया उसके साथ पूरी तरह से मज होते हुए नजर आते हैं बैकग्राउंड स्कोर भी डेफिनेटली पूरी तरह से हिट करता हुआ नज़र आता है टीजर ट्रेलर में जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो कास्टिंग देखने को मिलते है वो एक ऑन दी पॉइंट नज़र आती है डायरेक्टर सेम है इस वजह से जो फीलिंग है वो भी सेम नज़र आ रही है जो फिल्म आई थी सुरा राय पोत्रू उसी तरह की एक पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है अब देखने वाली बात है कि उडान फिल्म को भी हिंदी डब में अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर अभी भी अवेलेबल रखा हुआ है तो राय पोत्रु का जो ये हिंदी डब वर्जन है उसको कई सारे लोगों ने देखा हुआ है अभी इस सरफेरा का जो रीमेक वर्जन बनाया हो सूराय पोत्रू का तो उसको लोग कितना सराहना करते क्योंकि रिमे डब्ड वर्जन अवेलेबल है उस वजह से अब देखते चीजें सही बैठी हुई है टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है अगर आप दिमाग से सुरय राय पोत्रू का उड़ान हिंदी डब वर्जन अगर निकाल देते हो तो डेफ़िनेटली अगर ये फ्रेश फिल्म के तौर पर अगर कोई देखेगा तो उसको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि डायरेक्टर से हमें कास्टिंग अच्छी की गई अक्षय कुमार एक मंजे हुए कलाकार है परेश रावल जिन्होंने ऑलरेडी एक मंजे हुए कलाकार है ऑलरेडी वो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल प्ले कर रहे हैं तो चीज़ें कहीं सही जाती हुई नज़र आ रहे म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन दिक्कत एक यही है कि ये फिल्म रीमेक फिल्म है जहाँ पे डब्ड वर्ज़न ऑलरेडी चार साल पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया था अब देखने वाली बात ये है कि इस रीमेक वर्जन को लोग कितना क्या सराहाते अगर लोग भुला के इस फिल्म को देखने जाते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट कर दे क्योंकि ये थिएट्रिकली उड़ान फिल्म को नहीं एंजॉय किया था इस फिल्म को अगर कर पाए तो तो ये सभी चीज़ें अगर इस कुछ एस्पेक्ट के साथ ये फिल्म चलती दे, आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली चलेगी जहाँ पे इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें 12 जुलाई 2024 की डेट सामने निकल के आई हुए थिएट्रिकल इस फिल्म को ये सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ करने वाले जहाँ पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तो फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ तो डेफिनेटली मिलने वाली है वैसे आसपास में काफ़ी बड़ी फिल्में इस फिल्म के साथ इंडियन टू जो हिंदुस्तानी टू नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में हिंदी मार्केट में रिलीज़ होगी लेकिन इस फिल्म को उतना कुछ असर नहीं होगा वैसे सरफिरा फिल्म थिएट्रिकली अगर 12 जुलाई 2024 को पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करती है तो डेफ़िनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन करने की क्षमता रखती है क्योंकि रीमेक फिल्म में इस वजह से डेढ़ करोड़ बोल रहा हूँ अदरवाइज अगर ये फिल्म फ्रेश आई होती या डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं होता ऑफिशियली उड़ान का या सरसूरा रायपोत्रू का उड़ान वर्जन नहीं अवेलेबल होता तो डेफिनेटली फिल्म ढाई सौ करोड़ के ऊपर जाने की क्षमता रखती है अभी सौ डेढ़ सौ दो सौ करोड़ के आसपास अगर ये फिल्म कलेक्शन कर लेती है सौ करोड़ का भी कलेक्शन पार करती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन हो गया इस फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म को ऑलरेडी लोगों ने ओरिजिनल वर्जन में देखा हुआ है लेकिन सरफ्रा जो इसका टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है वो डेफ़िनेटली पूरी तरह से ऑडियंस को अपील करते हुए नज़र आते हैं अब देखने वाली बात है कि इसमें चेंजेस किस तरह से डायरेक्टर ने किए हुए हैं किस तरह से क्या चीज़ें सही बैठती है वो सभी चीज़ें रिलीज के बाद ही पता चलेगी अब ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो स्टार नेटवर्क के द्वारा राइट्स खरीदे गए डिजनी प्लस होट स्टार और स्टार गोल्ड के द्वारा तो थिएट्रिकल रिलीज के कुछ महीनों के बाद यह आपको डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सरपीरा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा ओ रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पर फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सरपीरा फिल्म फिलहाल में आप थिएट्रिकली 12 जुलाई 2024 से एंजॉय कर पाओगे वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ये फिल्म डिजनी प्लस हो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर होती हुई नजर आएगी इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर ओ रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सूर राय पोत्रू फिल्म आप ऑफिशियली ओ और, और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे सर जो 2024 हज़ार चौबीस के इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कौंगरान, सुधा कोंगरा सुधा कोंगरा ने डायलॉग्स पूजा तोलानी के थे स्क्रीन प्ले सुधा कोंगरा और सालिनी उषा देवी ने लिखा हुआ है सुधा कोंगरा के ऊपर बातचीत करें तो एक साउथ इंडियन डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले कई ऐसी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है जो हिंदी में एक साला खड़ूस करके आई थी वो फिल्म उन्होंने ही डायरेक्ट की हुई थी तो वो उन्होंने 2020 में एक सूरा राय पोत्रू करके फिल्म बनाई हुई थी सूरा राय पोत्रू का मीनिंग होता है प्रेज द ब्रेव यानी कि बहादुरी को आप सराहना करो तो वो एक 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म थी एक सिंपली डेक्कन करके बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था सिंपलीफाई अ डेक्कन ओडेसी करके एक बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ था तो वहाँ पे सूर्या ज्योति का उसके द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सूर्या अपर्णा बाला मुरली परेश रावल उसमें लीड रोल में थे उसको डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे सुररा रय राय, राय पोत्रू को हिंदी डब में उड़ान नाम के साथ गोल्ड माइंड खरीद कर अमेजॉन प्राइम वीडियो को ही बेचा हुआ था हिंदी डब वर्जन तो उड़ान को नाम से वहाँ पर प्रीमियर हुआ था तो सूर्या राय पोत्रू ने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल किया था तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और उड़ान नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में और फिल्म ने काफ़ी वाहवाही बटोरी हुई थी उसी समय इस फिल्म के रीमेक के राइट्स बेच दिए गए थे हिंदी वर्जन के रीमेक के राइट्स खरीदे गए थे जहाँ पे सुधा कोंगरा को ही अप्रोच किया गया था एज ए डायरेक्टर के तौर पे इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो अरुणा भाटिया विक्रम मल्होत्रा ज्योतिका और सूर्य के द्वारा इस फिल्म को अबुदंतिया एंटरटेनमेंट टू डी इंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक अच्छे बजट में बनाया हुआ है वैसे उड़ान फिल्म सभी लोगों ने देखी हुई है लेकिन अक्षय कुमार को लेते हुए हिंदी वर्जन बनाया हुआ है तब जिन्होंने उस फिल्म को डब फिल्म को नहीं देखा है या अक्षय कुमार की फैन है उनके लिए फिल्म डेफिनेटली एक अच्छी वर्क करेगी क्योंकि डायरेक्टर सेम है तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम ही रहने वाली है सिर्फ लोकेशंस और जो एक नॉर्थ इंडियन साइड थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की जाएगी जो एक नेटिविटी के हिसाब से चीज़ों को चेंज किया जाएगा इस फिल्म को महाराष्ट्र में बेस्ड किया हुआ है वो फिल्म तमिलनाडु चेन्नई में बेस्ड थी इस फिल्म की कास्ट में आपको अक्षय कुमार देखने को मिल जाएंगे राधिका मदन और परेश रावल तो परेश रावल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी निकेत बोमी रेड्डी ने की हुई है एडिटिंग है वो सतीश सूर्या ने की हुई है इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो जी प्रकाश तनिष बागची और सुहित अभियंकर के द्वारा कंपोज़ किए हुए जंगली म्यूजिक के बदवारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए इसके अलावा इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी आपको ही सुनने को मिलेगा क्योंकि इस फिल्म का जो और एक बात और है इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि सोरा राय पोत्रू ने भी उ, उन्होंने ही डब किया सॉरी उन्होंने ही कंपोज किए उन्होंने मतलब कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जीवी प्रकाश कुमार ने ही गानों को कंपोज किया हुआ है यानी कि ओरिजिनल वर्जन था उसका जो स, उसके जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स उनके ही द्वारा कंपोज़ किए गए थे तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों जिस वजह से इसमें भी उनको रिप्राइज किया हुआ है तो शायद आपको म्यूजिक भी लगभग लगभग सेम सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर तो डेफ़िनेटली सेम होगा गानों में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे अभी तक तो एक दो ही गाने इस फिल्म के रिलीज़ किए गए हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे जहाँ पे गानों को जंगली म्यूज़िक ने टाइम्स म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ किया है क्योंकि वही ओन करता है उस यूट्यूब चैनल को उस कंपनी को कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार वीर महात्रे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे परेश रावल ने परेश गोस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के एंटागोनिस्ट है राधिका मदन वीर की वाइफ का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी आर शरद कुमार ने वीर के कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स में है वही रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने वीर का माँ का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या के केम्यो डेफिनेटली देखने को मिलेगा वो किस तरह से एड किया है वो पता नहीं लेकिन में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस फिल्म की कहानी भी वही सोरा रय पोत्रू की तरह बनाई गई है जहाँ पे जो सिंप्लीफ्लाई या डेक्कन ओडिसी करके जो बुक है उससे इंस्पायर्ड होकर इसको चेंज इसको बनाया हुआ है डेफ़िनेटली इस फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे लेकिन बेसिक पॉइंट है वो सेम रहेगा एक का वीर महात्रा नाम का इसमें व्यक्ति दिखाया जाएगा जो एक एयरफोर्स में कमांडिंग ऑफिसर है बाद में उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घंट घटनी घटती है उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो एक एयरलाइंस स्टार्ट करेगा एसी एयरलाइंस बनाएगा जो लो इनकम पीपल है जिसकी कमाई कम है वो इस फिल्म में दिखाया गया कि वो उसमें सफ़र कर पाए और ये डेफिनेटली पास्ट में बनी ही ये सभी चीज़ें हुई है जहाँ पे जीआर गोपीनाथ के द्वारा जो बुक लिखी गई थी तो वही बुक के ऊपर इस फिल्म को डेवलप किया बनाया हुआ तो ट्रू स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें कि जन बारह जन जुलाई दो हज़ार इक्कीस को ज्योतिकार सूर्य के द्वारा इस फिल्म के टूडेंट ने अनाउंस किया था कि वो सूर्य राय पोत्रू का रीमेक वर्जन है हिंदी वो प्रोड्यूस करने वाले जहां पे सुधा कोंगरा ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जहां पे इस फिल्म के रीमेक के लिए वो विक्रम मल्होत्रा जो अभी अभुन्तया एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है उसके साथ कोलॉबरेट करने वाले रिपोर्ट एटली पता चला था कि अजय देवगन जॉन अब्राम अक्षय कुमार ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स को सूर्या का जो रोल था उसके लिए अप्रोच किया जा रहा है कंसिडर किया जा रहा है लेटर ऑन बाद में चीज़ें पता चली जिस तरह से जो एक्टर्स बिजी थे उस हिसाब से चेक चेक किया गया तब अगस्त में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि आ, इस फिल्म में जो को प्रोड्यूसर है वो ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर सीखिया एंटरटेनमेंट ही होने उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की हुई थी कि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उनके साथ कुछ बातचीत नहीं हुई रीमेक के राइट्स के ऊपर हाउ लेटर ऑन अबोदया एंटरटेनमेंट ने सभी चीज़ों को विदाउट कंसेंट सभी चीज़ों को हम पेश किया होता कोर्ट में जा बाद में अर्ली सेम में केस के को क्लोज किया गया था सिक्ख्या एंटरटेनमेंट इस प्रोडक्शन में नहीं जुड़ी थी अक्षय कुमार को बाद में अनाउंस किया गया 25 अप्रैल 2022 को कि वो सूर्या का रोल रिप्रेज करने वाले और वही इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी करेंगे इस फिल्म की पूजा सेरेमनी मुंबई में रखी गई थी जहाँ पे काट और क्र्यू मेंबर शामिल थे जहाँ पे बताया गया राधिका मदन और परेश रावल भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था तेरह फरवरी दो को फिल्म की जब रिलीज डेट अनाउंस की गई उसके साथ ही अनाउंस किया गया था बारह जुलाई दो हज़ार रिलीज डेट फिक्स की गई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो पहले शेड्यूल के साथ मुंबई में 25 अप्रैल 2022 को स्टार्ट की गई थी राधिका मदन ने अपने पोर्शन की शूटिंग थी तेईस अक्टूबर तक कंप्लीट करवाई थी उसके बाद में 2023 तक इस फिल्म की शूटिंग चली थी उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम ले जाया गया था और फिल्म की प्रॉपर रिलीज डेट के लिए इस फिल्म को बाद में दो के लिए पोस्टपोन किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनल फिल्म में जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए थे वो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए वैसे सॉन्ग्स में उनको तनिज बाग्यों और सुई तभी आनकर के भी मदद मिली हुई है लिरिक्स में मनोज मुंतासिर श्लोक लाल तनिस बागची जैसे कंपोज़र भी जुड़े हुए थे लिरिक्स जुड़े हुए थे अप्रैल 2022 में अनाउंस किया गया था कि जी प्रकाश के द्वारा कि वो इस फिल्म का पहला गाना कंपोज़ किए हुए जहाँ पे सेकंड कोलोब्रेशन है सुधा कोंगारा के द्वारा उनके ससुराल रई पोत्र के बाद और अक्षय कुमार के द्वारा सात पहला कोलोब्रेशन है म्यूजिक के राइट्स जंगली म्यूजिक ने खरीदे हुए थे उन्होंने टाइम्स म्यूजिक के चैनल के ऊपर इसका पहला गाना रिलीज़ किया मार उड़ी जिसको चौबीस जून दो, दो, दो को रिलीज किया गया था लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर ने और म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार ने दिया हुआ था यादव कृष्णन सुगंधा शेखर और हस्तोन रोड्रिगस और अभिजीत राव ने उसको गाया हुआ था तो ये इतने सिंगर्स थे जिन्होंने गाना गाया था इस गाने को एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में टाइम्स म्यूजिक के द्वारा सत्ताईस जून दो को इसका सेकंड यहाँ पे खुदाया करके उस गाने का नाम रखा हुआ था उस गाने को लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर शुक्ला ने वहीं पे सिंगर थे सागर भाटी सुत अभियानकर म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और कोरस अरेंजमेंट सुभियांकर ने किया हुआ था म्यूजिक का सुपरवाइजर थे अजीम दयानी मेघा और विकास बाली रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे अवधूत वाटकर मोहसिन राजा और अभियर रुमेट ने उसके बाद में मिक्स और मास्टरिंग एरिक पिल्लाई ने की हुई थी तबला ढोलक का काम खान ने किया हुआ था और इस गाने को पूरी तरह से कंपोज किया हुआ था जी वी प्रकाश कुमार ने और इस गाने को जब रिलीज़ किया गया टाइम्स म्यूजिक के ऊपर वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म के जो गाने हैं जो सुनने को अभी तक मिले हैं दो गाने वो डेफिनेटली फिल्म का जो जो एक बैकग्राउंड एक बताया गया जिस तरह से फिल्म के एक माहौल में बनाया गया उसके साथ पूरी तरह से मज होते हुए नजर आते हैं बैकग्राउंड स्कोर भी डेफिनेटली पूरी तरह से हिट करता हुआ नजर आता है टीजर ट्रेलर में जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो कास्टिंग देखने को मिलते वो एक ऑन दी पॉइंट नज़र आती है डायरेक्टर सेम है इस वजह से जो फीलिंग है वो भी सेम नज़र आ रही है जो फिल्म आई थी सुरार राय पोत्रू उसी तरह की एक पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है अब देखने वाली बात है कि उड़ान फिल्म को भी हिंदी डब में अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अभी भी अवेलेबल रखा हुआ है तो सूर राय पोत्रू का जो ये हिंदी डब वर्जन है उसको कई सारे लोगों ने देखा हुआ है अब इस सरफेरा का जो रिमेक वर्जन बनाया है सूराराय पोत्रू का तो उसको लोग कितना सराहना करते क्योंकि डब्ड वर्जन अवेलेबल है उस वजह से अब देखते हैं चीजें सही बैठी हुई है टीजर ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है अगर आप दिमाग से स्वरा राय पोत्रु का उड़ान हिंदी डब वर्जन अगर निकाल देते हो तो डेफ़िनेटली अगर ये फ्रेश फिल्म के तौर पर अगर कोई देखेगा तो उसको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि डायरेक्टर से हमें कास्टिंग अच्छी की गई अक्षय कुमार एक मंजे हुए कलाकार है परेश रावल जिन्होंने ऑलरेडी एक मंजे हुए कलाकार है ऑलरेडी वो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल प्ले कर रहे हैं तो चीज़ें कहीं सही जाती हुई नज़र आ रहे हैं म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है लेकिन दिक्कत एक यही है कि ये फिल्म रीमेक फिल्म है जहाँ पे डब्ड वर्ज़न ऑलरेडी चार साल पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया था अब देखने वाली बात ये है कि इस रीमेक वर्जन को लोग कितना क्या कि सराहाते अगर लोग भुला के इस फिल्म को देखने जाते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट कर दे क्योंकि ये थिएट्रिकली उड़ान फिल्म को नहीं एंजॉय किया था इस फिल्म को अगर कर पाए तो तो ये सभी चीज़ें अगर इस कुछ एस्पेक्ट के साथ ये फिल्म चलती दे, आगे बढ़ती है तो डेफ़िनेटली चलेगी जहाँ पे इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें 12 जुलाई 2024 की डेट सामने निकल के आई हुए थिएट्रिकल इस फिल्म को ये सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ करने वाले जहाँ पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तो फिल्म को एक अच्छी रिलीज तो डेफिनेटली मिलने वाली है वैसे आसपास में काफ़ी बड़ी फिल्में इस फिल्म के साथ इंडियन टू जो हिंदुस्तानी टू नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में हिंदी मार्केट में रिलीज होगी लेकिन इस फिल्म को उतना कुछ असर नहीं होगा वैसे सरफरा फिल्म थिएट्रिकली अगर 12 जुलाई 2024 को पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करती है तो डेफिनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन करने की क्षमता रखती है क्योंकि रीमेक फिल्म में इस वजह से 150 करोड़ बोल रहा हूँ अदरवाइज अगर ये फिल्म फ्रेश आई होती या डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं होता ऑफिशियली उड़ान का या सरसूरा रेय पोत्रू का उड़ान वर्जन नहीं अवेलेबल होता तो डेफिनेटली फिल्म ढाई सौ करोड़ के ऊपर जाने की क्षमता रखती है अभी सौ डेढ़ सौ दो सौ करोड़ के आसपास अगर ये फिल्म कलेक्शन कर लेती है सौ करोड़ का भी कलेक्शन पार करती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन हो गए इस फिल्म के लिए क्योंकि ये फिल्म को ऑलरेडी लोगों ने ओरिजिनल वर्जन में देखा हुआ है लेकिन सरफिरा जो इसका टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है वो डेफिनेटली पूरी तरह से ऑडियंस को अपील करते हुए नज़र आते हैं अब देखने वाली बात यह कि इसमें चेंजेस किस तरह से डायरेक्टर ने किए हुए हैं किस तरह से क्या चीज़ें सही बैठती है वो सभी चीज़ें रिलीज के बाद ही पता चलेगी अब ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो स्टार नेटवर्क के द्वारा राइट्स खरीदे गए डिजनी प्लस हॉटस्टार और स्टार गोल्ड के द्वारा तो थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ही आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सरफिरा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पर फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरपिरा फिल्म फिलहाल में आप थिएट्रिकली 12 जुलाई 2024 से एंजॉय कर पाओगे वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ये फिल्म डिज्नी प्लस हो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सूर राय पोत्रू फिल्म आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे सरफिरा जो दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कौंगरान, सुधा कोंगरा ने सुधा कोंगरा ने डायलॉग्स पूजा तोलानी के थे स्क्रीन प्ले सुधा कोंगरा और सालिनी उषा देवी ने लिखा हुआ है सुधा कोंगरा के ऊपर बातचीत करें तो एक साउथ इंडियन डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले कई कह, ऐसी फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ है जो हिंदी में एक साला खड़ूस करके आई थी वो फिल्म उन्होंने ही डिरेक्ट की हुई थी तो वो उन्होंने 2020 में एक सूरा राय पोत्रू करके फिल्म बनाई हुई थी सूरा राय पोत्रू का मीनिंग होता है प्रेज द ब्रेव यानी कि बहादुरी को आप सराहना करो तो वो एक 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म थी एक सिंपली डेक्कन करके बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था सिंपलीफाई अ डेक्कन ओडेसी करके एक बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ था तो वहाँ पे सूर्या ज्योति का उसके द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सूर्या अपर्णा बाला मुरली परेश रावल उसमें लीड रोल में थे उसको डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे सूर्या राय पोत्रू को हिंदी डब में उड़ान नाम के साथ गोल्ड माइंड ने ख़रीद कर अमेजन प्राइम वीडियो को ही बेचा हुआ था हिंदी डब वर्जन तो उड़ान को नाम से वहाँ पर प्रीमियर हुआ था तो सूर्या राय पोत्रू ने काफ़ी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया था तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और उड़ान नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में और फिल्म ने काफ़ी वाहवाही बटोरी हुई थी उसी समय इस फिल्म के रीमेक के राइट्स बेच दिए गए थे हिंदी वर्जन के रीमेक के राइट्स खरीदे गए थे जहाँ पे सुधा कोंगरा को ही अप्रोच किया गया था एज ए डायरेक्टर के तौर पे इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो अरुणा भाटिया विक्रम मल्होत्रा ज्योतिका और सूर्य के द्वारा इस फिल्म को अबुदंतिया एंटरटेनमेंट टू एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक अच्छे बजट में बनाया हुआ है वैसे उड़ान फिल्म सभी लोगों ने देखी हुई है लेकिन अक्षय कुमार को लेते हुए हिंदी वर्जन बनाया हुआ है तब जिन्होंने उस फिल्म को डब फिल्म को नहीं देखा है या अक्षय कुमार की फ़ैन है उनके लिए फिल्म डेफिनेटली एक अच्छी वर्क करेगी क्योंकि डायरेक्टर सेम है तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम ही रहने वाली है सिर्फ लोकेशंस और जो एक नॉर्थ इंडियन साइड थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की जाएगी जो एक नेटिविटी के हिसाब से चीज़ों को चेंज किया जाएगा इस फिल्म को महाराष्ट्र में बेस्ड किया हुआ है वो फिल्म तमिलनाडु चेन्नई में बेस्ड थी इस फिल्म की कास्ट में आपको अक्षय कुमार देखने को मिल देंगे राधिका मदन और परेश रावल तो परेश रावल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी निकेत बोमी रेड्डी ने की हुई है एडिटिंग है वो सतीश सूर्या ने की हुई है इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश तनिष बागची और सुहित अभियंकर के द्वारा कंपोज किए हुए जंगली म्यूजिक के द्वारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए इसके अलावा इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी आपको ही सुनने को मिलेगा क्योंकि इस फिल्म का जो और एक बात और है इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि सोरा राय पोत्रू ने भी डब किया सॉरी उन्होंने कंपोज उन्होंने मतलब कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जी वी प्रकाश कुमार ने ही को कंपोज किया हुआ है यानी कि ओरिजिनल वर्जन था उसका जो उसके जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स उनके ही द्वारा कंपोज किए गए थे तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों जिस वजह से इसमें भी उनको रिप्राइज किया हुआ है तो शायद आपको म्यूजिक भी लगभग लगभग सेम सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर तो डेफ़िनेटली सेम होगा गानों में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे अभी तक तो एक दो ही गाने इस फिल्म के रिलीज़ किए गए हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे जहाँ पे गानों को जंगली म्यूज़िक ने टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ किया हुआ क्योंकि वही ओन करता है उस यूट्यूब चैनल को उस कंपनी को कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार वीर महात्रे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे परेश रावल ने परेश गोस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के एंटागोनिस्ट है राधिका मदन वीर की वाइफ का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी आर शरद कुमार ने वीर के कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स में है वो वही रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने वीर का मां का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या के केम्यो डेफिनेटली देखने को मिलेगा वो किस तरह से एड किया है वो पता नहीं लेकिन केम्यो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस फिल्म की कहानी भी वही सोरा रय पोत्रू की तरह बनाई गई है जहाँ पे जो सिंपलीफ्लाई या डेक्कन ओडिसी करके जो बुक है उससे इंस्पायर्ड होकर इसको चेंज इसको बनाया हुआ है डेफ़िनेटली इस फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे लेकिन बेसिक पॉइंट है वो सेम रहेगा एक का वीर महात्रा नाम का इसमें व्यक्ति दिखाया जाएगा जो एक एयरफोर्स में कमांडिंग ऑफिसर है बाद में उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घंट घटनी घटती है उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो एक एयरलाइंस स्टार्ट करेगा ऐसी एयरलाइंस बनाएगा जो लो इनकम पीपल है जिसकी कमाई कम है वो इस फिल्म में दिखाया गया कि वो उसमें सफ़र कर पाए और ये डेफिनेटली पास्ट में बनी ही ये सभी चीज़ें हुई है जहाँ पे जी आर गोपीनाथ के द्वारा जो बुक लिखी गई थी तो वही बुक के ऊपर इस फिल्म को डेवलप किया बनाया हुआ तो ट्रू स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें कि जन बारह जन जुलाई 2021 को ज्योतिकार सूर्या के द्वारा इस फिल्म के टू डेंट ने अनाउंस किया था कि वो सूर्य राय पोत्रू का रीमेक वर्जन है हिंदी वो प्रोड्यूस करने वाले जहां पे सुधा कोंगरा ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जहां पे इस फिल्म के रीमेक के लिए वो विक्रम मल्होत्रा जो अभी अभुंतया एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है उसके साथ कोलॉबरेट करने वाले रिपोर्ट पता चला था कि अजय देवगन जोन अब अक्षय कुमार ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स को सूर्या का जो रोल था उसके लिए अप्रोच किया जा रहा है कंसिडर किया जा रहा है लेटर ऑन बाद में चीज़ें पता चली जिस तरह से जो एक्टर्स बिजी थे उस हिसाब से चेक चेक किया गया तब अगस्त में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि आ, इस फिल्म में जो को प्रोड्यूसर है वो ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर सीखे एंटरटेनमेंट ही होने उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की हुई थी कि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उनके साथ कुछ बातचीत नहीं हुई रिमिक के राइट्स के ऊपर हाउ लेटर ऑन अवोदया एंटरटेनमेंट ने सभी चीज़ों को आ, विदाउट कंसर्न सभी चीज़ों का को हम पेश किया होता कोर्ट में जा बाद में अर्ली सेमटमर में केस के को क्लोज़ किया गया था सिक्ख्या एंटरटेनमेंट इस प्रोडक्शन में नहीं जुड़ी थी अक्षय कुमार को बाद में अनाउंस किया गया 25 अप्रैल 2022 को कि वो सूर्या का रोल रिप्राइज करने वाले और वही इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी करेंगे इस फिल्म की पूजा सेरेमनी मुंबई में रखी गई थी जहाँ पे काठ और क्रू मेंबर शामिल थे जहाँ पे बताया गया राधिका मदन और परेश रावल भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था तेरह फरवरी दो को फिल्म की जब रिलीज डेट अनाउंस की गई उसके साथ ही अनाउंस किया गया था बारह जुलाई दो हज़ार रिलीज डेट फिक्स की गई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो पहले शेड्यूल के साथ मुंबई में 25 अप्रैल 2022 को स्टार्ट की गई थी राधिका मदन ने अपने पोर्शन की शूटिंग थी तेईस अक्टूबर तक कंप्लीट करवाई थी उसके बाद में 2023 तक इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम ले जाया गया था और फिल्म की प्रॉपर रिलीज डेट के लिए इस फिल्म को बाद में दो के लिए पोस्टपोन किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनल फिल्म में जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए थे वो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए जहां पे जी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए वैसे सॉन्ग्स में उनको तनिज भाग्य और सुहित अभियानकर की भी मदद मिली हुई है लिरिक्स में मनोज मुंतासिर श्लोक लाल तनिस बागची जैसे कंपोज़र भी जुड़े हुए थे लिरिस्टिस जुड़े हुए थे अप्रैल 2022 में अनाउंस किया गया था कि जी प्रकाश के द्वारा कि वो इस फिल्म का पहला गाना कंपोज किए हुए जहाँ पे सेकंड कोलाब्रेशन है सुधा कोंगारा के द्वारा उनके सुसुराराई पोत्रु के बाद और अक्षय कुमार के द्वारा तो सात पहला कोलाब्रेशन है म्यूजिक के राइट्स जंगली म्यूजिक ने खरीदे हुए थे उन्होंने टाइम्स म्यूजिक के चैनल के ऊपर इसका पहला गाना रिलीज़ किया मार उड़ी जिसको चौबीस जून दो को रिलीज़ किया गया था लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर ने और म्यूजिक वी प्रकाश कुमार ने दिया हुआ था यादव कृष्णन सुगंधा शेखर और हस्तोन रोड्रिगस और अभिजीत राव ने उसको गाया हुआ था तो ये इतने सिंगर्स थे जिन्होंने गाना गाया था इस गाने को एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में टाइम्स म्यूजिक के द्वारा सत्ताईस जून 2024 को इसका सेकंड यहाँ पे खुदाया करके उस गाने का नाम रखा हुआ था उस गाने को लिखा हुआ था मनोज मुंता शुक्ला ने वहीं पे सिंगर थे सागर भाटी सुत अभ्यंकर म्यूजिक का प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और कोरस अरेंजमेंट सुभियांकर ने किया हुआ था म्यूजिक का सुपरवाइजर थे अजीम दयानी मेगा और विकास बाली रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे अवधूत वाटकर मोहसिन राजा और अभिया रोमेड ने उसके बाद में मिक्स और मास्टरिंग एरिक पिल्लाई ने की हुई थी टबला ढोलक का काम इस्ती ने किया हुआ था और इस गाने को पूरी तरह से कंपोज किया हुआ था जी वी प्रकाश कुमार ने और इस गाने को जब रिलीज़ किया गया टाइम्स म्यूजिक के ऊपर वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म के जो गाने हैं जो सुनने को अभी तक मिले हैं दो गाने वो डेफिनेटली फिल्म का जो जो एक बैकग्राउंड uh, बताया गया जिस तरह से फिल्म के एक माहौल में बनाया गया उसके साथ पूरी तरह से मज होते हुए नज़र आते हैं बैकग्राउंड स्कोर भी डेफिनेटली पूरी तरह से हिट करता हुआ नज़र आता है टीजर ट्रेलर में जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो कास्टिंग देखने को मिलते है वो एक ऑन दी पॉइंट नज़र आती है डायरेक्टर सेम है इस वजह से जो फीलिंग है वो भी सेम नज़र आ रही है जो फिल्म आई थी सुरा राय पोत्रू उसी तरह की एक पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है अब देखने वाली बात है कि उडान फिल्म को भी हिंदी डब में अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर अभी भी अवेलेबल रखा हुआ है तो राय पोत्रु का जो ये हिंदी डब वर्जन है उसको कई सारे लोगों ने देखा हुआ है अभी इस सरफेरा का जो रीमेक वर्जन बनाया है सूराराय पोत्रू का तो उसको लोग कितना सराहना करते क्योंकि रिमे डब्ड वर्जन अवेलेबल है उस वजह से अब देखते हैं चीजें सही बैठी हुई है टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है अगर आप दिमाग से सूरा राय पोत्रू का उड़ान हिंदी डब वर्जन अगर निकाल देते हो तो डेफ़िनेटली अगर ये फ्रेश फिल्म के तौर पर अगर कोई देखेगा तो उसको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि डायरेक्टर से हमें कास्टिंग अच्छी की गई अक्षय कुमार एक मंजे हुए कलाकार है परेश रावल जिन्होंने ऑलरेडी एक मंजे हुए कलाकार है ऑलरेडी वो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल प्ले कर रहे हैं तो चीज़ें कहीं सही जाती हुई नज़र आ रहे म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन दिक्कत एक यही है कि ये फिल्म रीमेक फिल्म है जहाँ पे डब्ड वर्ज़न ऑलरेडी चार साल पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया था अब देखने वाली बात ये है कि इस रिमेक वर्ज़न को लोग कितना क्या कि सराहाते अगर लोग भुला के इस फिल्म को देखने जाते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट कर दे क्योंकि ये थिएट्रिकली उड़ान फिल्म को नहीं एंजॉय किया था इस फिल्म को अगर कर पाए तो तो ये सभी चीज़ें अगर इस कुछ एस्पेक्ट के साथ ये फिल्म चलती दे, आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली चलेगी जहाँ पे इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें 12 जुलाई 2024 की डेट सामने निकल के आई हुए थिएट्रिकल इस फिल्म को ये सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ करने वाले जहाँ पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तो फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ तो डेफ़िनेटली मिलने वाली है वैसे आसपास में काफ़ी बड़ी फिल्म है इस फिल्म के साथ इंडियन टू जो हिंदुस्तानी टू नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में हिंदी मार्केट में रिलीज़ होगी लेकिन इस फिल्म को उतना कुछ असर नहीं होगा वैसे सरफिरा फिल्म थिएट्रिकली अगर 12 जुलाई 2024 को पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करती है तो डेफ़िनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन करने की क्षमता रखती है क्योंकि रीमेक फिल्म में इस वजह से डेढ़ करोड़ बोल रहा हूँ अदरवाइज अगर ये फिल्म फ्रेश आई होती या डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं होता ऑफिशियली उड़ान का या सरसुरा राय पोत्रू का उड़ान वर्जन नहीं अवेलेबल होता तो डेफिनेटली फिल्म ढाई सौ करोड़ के ऊपर जाने की क्षमता रखती है अभी सौ डेढ़ सौ दो सौ करोड़ के आसपास अगर ये फिल्म कलेक्शन कर लेती है सौ करोड़ का भी कलेक्शन पार करती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन हो गया इस फिल्म के लिए क्योंकि ये फिल्म को ऑलरेडी लोगों ने ओरिजिनल वर्जन में देखा हुआ है लेकिन सरफ्रा जो इसका टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है वो डेफ़िनेटली पूरी तरह से ऑडियंस को अपील करते हुए नज़र आते हैं अब देखने वाली बात है कि इसमें चेंजेस किस तरह से डायरेक्टर ने किए हुए हैं किस तरह से क्या चीज़ें सही बैठती है वो सभी चीज़ें रिलीज के बाद ही पता चलेगी अब ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो स्टार नेटवर्क के द्वारा राइट्स खरीदे गए डिजनी प्लस होट स्टार और स्टार गोल्ड के द्वारा तो थिएट्रिकल रिलीज के कुछ महीनों के बाद यह आपको डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सरपीरा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा ओ रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पर फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सरपीरा फिल्म फिलहाल में आप थिएट्रिकली 12 जुलाई 2024 से एंजॉय कर पाओगे वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ये फिल्म डिजनी प्लस हो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर होती हुई नजर आएगी इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर ओ रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो इस तरह से सूर राय पोत्रू फिल्म आप ऑफिशियली ओ और, और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे सर जो दो हज़ार चौबीस इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कौंगरान, सुधा कोंगरा ने सुधा कोंगरा ने डायलॉग्स पूजा तोलानी के थे स्क्रीन प्ले सुधा कोंगरा और सालिनी उषा देवी ने लिखा हुआ है सुधा कोंगरा के ऊपर बातचीत करें तो एक साउथ इंडियन डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले कई ऐसी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है जो हिंदी में एक साला खड़ूस करके आई थी वो फिल्म उन्होंने ही डायरेक्ट की हुई थी तो वो उन्होंने 2020 में एक सूरा राय पोत्रू करके फिल्म बनाई हुई थी सूरा राय पोत्रू का मीनिंग होता है प्रेज द ब्रेव यानी कि बहादुरी को आप सराहना करो तो वो एक 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म थी एक सिंपली डेक्कन करके बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था सिंपलीफाई अ डेक्कन ओडेसी करके एक बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ था तो वहाँ पे सूर्या ज्योति का उसके द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सूर्य अपना बाला मुरली परेस रावल उसमें लीड रोल में थे उसको डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे सुररा रय राय, राय पोत्रू को हिंदी डब में उड़ान नाम के साथ गोल्ड माइंड से ख़रीद कर अमेजॉन प्राइम वीडियो को ही बेचा हुआ था हिंदी डब वर्जन तो उड़ान को नाम से वहाँ पर प्रीमियर हुआ था तो सूर्या राय पोत्रू ने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल किया था तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और उड़ान नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में और फिल्म ने काफ़ी वाहवाही बटोरी हुई थी उसी समय इस फिल्म के रीमेक के राइट्स बेच दिए गए थे हिंदी वर्जन के रीमेक के राइट्स खरीदे गए थे जहाँ पे सुधा कोंगरा को ही अप्रोच किया गया था एज ए डायरेक्टर के तौर पे इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो अरुणा भाटिया विक्रम मल्होत्रा ज्योतिका और सूर्य के द्वारा इस फिल्म को अबुदंतिया एंटरटेनमेंट टू एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक अच्छे बजट में बनाया हुआ है वैसे उड़ान फिल्म सभी लोगों ने देखी हुई है लेकिन अक्षय कुमार को लेते हुए हिंदी वर्जन बनाया हुआ है तब जिन्होंने उस फिल्म को डब फिल्म को नहीं देखा है या अक्षय कुमार की फ़ैन है उनके लिए फिल्म डेफिनेटली एक अच्छी वर्क करेगी क्योंकि डायरेक्टर सेम है तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम ही रहने वाली है सिर्फ लोकेशंस और जो एक नॉर्थ इंडियन साइड थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की जाएगी जो एक नेटिविटी के हिसाब से चीज़ों को चेंज किया जाएगा इस फिल्म को महाराष्ट्र में बेस्ड किया हुआ है वो फिल्म तमिलनाडु चेन्नई में बेस्ड थी इस फिल्म की काश्त में आपको अक्षय कुमार देखने को मिल जाएंगे राधिका मदन और परेश रावल तो परेश रावल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी निकेत बोमी रेड्डी ने की हुई है एडिटिंग है वो सतीश सूर्या ने की हुई है इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो जी प्रकाश तनिष बागची और सुहित अभियंकर के द्वारा कंपोज किए हुए जंगली म्यूज़िक के द्वारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए इसके अलावा इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी आपको ही सुनने को मिलेगा क्योंकि इस फिल्म का जो और एक बात और है इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि सोरा राय पोत्रू ने भी उन्होंने ही डब किया सॉरी उन्होंने कंपोज किए उन्होंने मतलब कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जे वी प्रकाश कुमार ने ही ओरिजिनल गानों को कंपोज किया हुआ है यानी कि ओरिजिनल वर्जन था उसका जो उसके जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स उनके ही द्वारा कंपोज़ किए गए थे तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों जिस वजह से इसमें भी उनको रिप्राइज किया हुआ है तो शायद आपको म्यूजिक भी लगभग लगभग सेम सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर तो डेफ़िनेटली सेम होगा गानों में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे अभी तक तो एक दो ही गाने इस फिल्म के रिलीज़ किए गए हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे जहाँ पे गानों को जंगली म्यूजिक ने टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ किया हुआ क्योंकि वही ओन करता है उस यूट्यूब चैनल को उस कंपनी को कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार वीर महात्रे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे परेश रावल ने परेश गोस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के इंटागोनिश है राधिका मदन वीर की वाइफ का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी आर शरद कुमार ने वीर के कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स में है वो वही रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने वीर का माँ का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या के केम्यो डेफिनेटली देखने को मिलेगा वो किस तरह से एड किया है वो पता नहीं लेकिन केम्यो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस फिल्म की कहानी भी वही सोरा रे पोत्रू की तरह बनाई गई है जहाँ पे जो सिंपलीफ्लाई या डेक्कन ओडिसी करके जो बुक है उससे इंस्पायर्ड होकर इसको चेंज इसको बनाया हुआ है डेफ़िनेटली इस फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे लेकिन बेसिक पॉइंट है वो सेम रहेगा एक का वीर महात्रा नाम का इसमें व्यक्ति दिखाया जाएगा जो एक एयरफोर्स में कमांडिंग ऑफिसर है बाद में उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घंट घटनी घटती है उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो एक एयरलाइंस स्टार्ट करेगा ऐसी एयरलाइंस बनाएगा जो लो इनकम पीपल है जिसकी कमाई कम है वो इस फिल्म में दिखाया गया कि वो उसमें सफ़र कर पाए और ये डेफिनेटली पास्ट में बनी ही ये सभी चीज़ें हुई है जहाँ पे जे आर गोपीनाथ के द्वारा जो बुक लिखी गई थी तो वही बुक के ऊपर इस फिल्म को डेवलप किया बनाया हुआ है तो ट्रू आ, स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें कि वो जन बारह जन जुलाई दो हज़ार इक्कीस को ज्योतिकार सूर्या के द्वारा इस फिल्म के टूडेंट ने अनाउंस किया था कि वो सूर्य राय पोत्रू का रीमेक वर्जन है हिंदी वो प्रोड्यूस करने वाले जहां पे सुधा कोंगरा ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जहां पे इस फिल्म के रीमेक के लिए वो विक्रम मल्होत्रा जो अभी अभुंतिया एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है उसके साथ कोलॉबरेट करने वाले रिपोर्ट एटली पता चला था कि अजय देवगन जॉन अब्राहम अक्षय कुमार ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स को सूर्या का जो रोल था उसके लिए अप्रोच किया जा रहा है कंसिडर किया जा रहा है लेटर ऑन बाद में चीज़ें पता चली जिस तरह से जो एक्टर्स बिजी थे उस हिसाब से चेक चेक किया गया तब अगस्त में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि आ, इस फिल्म में जो को प्रोड्यूसर है वो ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर सीखे एंटरटेनमेंट थी होने उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की हुई थी कि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उनके साथ कुछ बातचीत नहीं हुई रिमेक के राइट्स के ऊपर हाउ लेटर ऑन अबोदया एंटरटेनमेंट ने सभी चीज़ों को विदाउट कंसन सभी चीज़ों का को हम पेश किया होता कोर्ट में जा बाद में अर्ली सेम में केस के को क्लोज़ किया गया था सीखे एंटरटेनमेंट इस प्रोडक्शन में नहीं जुड़ी थी अक्षय कुमार को बाद में अनाउंस किया गया 25 अप्रैल 2022 को कि वो सूर्या का रोल रिप्राइज करने वाले और वही इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी करेंगे इस फिल्म की पूजा सेरेमनी मुंबई में रखी गई थी जहाँ पे काट और क्रू मेंबर शामिल थे जहाँ पे बताया गया राधिका मदन और परेश रावल भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था तेरह फरवरी दो को फिल्म की जब रिलीज डेट अनाउंस की गई उसके साथ ही अनाउंस किया गया था बारह जुलाई दो को रिलीज डेट फिक्स की गई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है व पहले शेड्यूल के साथ मुंबई में 25 अप्रैल 2022 को स्टार्ट की गई थी राधिका मदन ने अपने पोर्शन की शूटिंग थी तेईस अक्टूबर तक कंप्लीट करवाई थी उसके बाद में 2023 तक इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम ले जाया गया था और फिल्म की प्रॉपर रिलीज डेट के लिए इस फिल्म को बाद में दो के लिए पोस्टपोन किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनल फिल्म में जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए थे वो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे जी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए वैसे सॉन्ग्स में उनको तनिज भाग्य और सुहित अभियानकर के भी मदद मिली हुई है लिरिक्स में मनोज मुंतासिर श्लोक लाल तनिष बागची जैसे कंपोज़र भी जुड़े हुए थे लिरिस्ट जुड़े हुए थे अप्रैल 2022 में अनाउंस किया गया था कि जी प्रकाश के द्वारा कि वो इस फिल्म का पहला गाना कंपोज़ किए हुए जहाँ पे सेकंड कोलाब्रेशन है सुधा कोंगारा के द्वारा उनके ससुराल रई पोत्र के बाद और अक्षय कुमार के द्वारा दो सात पहला कोलाब्रेशन है म्यूजिक के राइट्स जंगली म्यूजिक ने खरीदे हुए थे उन्होंने टाइम्स म्यूजिक के चैनल के ऊपर इसका पहला गाना रिलीज किया मार उड़ी जिसको चौबीस जून दो, दो को रिलीज किया गया था लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर ने और म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार ने दिया हुआ था यादव कृष्णन सुगंधा शेखर और हस्तोन रोड्रिगस और अभिजीत राव ने उसको गाया हुआ था तो ये इतने सिंगर्स थे जिन्होंने गाना गाया था इस गाने को एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में टाइम्स म्यूजिक के द्वारा सत्ताईस जून दो को इसका सेकंड यहाँ पे खुदाया करके उस गाने का नाम रखा हुआ था उस गाने को लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर शुक्ला ने वहीं पे सिंगर थे सागर भाटी सुत अभियानकर म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और कोरस अरेंजमेंट सुभियांकर ने किया हुआ था म्यूजिक का सुपरवाइजर थे अजीम दयानी मेगा और विकास बाली रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे अवधूत वाटकर मोहसिन राजा और अभियाड ने उसके बाद में मिक्स और मास्टरिंग एरिक पिल्लाई ने की हुई थी टबला ढोलक का काम खान ने किया हुआ था और इस गाने को पूरी तरह से कंपोज किया हुआ था जी वी प्रकाश कुमार ने और इस गाने को जब रिलीज़ किया गया टाइम्स म्यूजिक के ऊपर वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म के जो गाने हैं जो सुनने को अभी तक मिले दो गाने वो डेफिनेटली फिल्म का जो जो एक बैकग्राउंड uh, बताया गया जिस तरह फिल्म के एक माहौल में बनाया गया उसके तरह साथ पूरी तरह से मज होते हुए नज़र आते हैं बैकग्राउंड स्कोर भी डेफिनेटली पूरी तरह से हिट करता हुआ नज़र आता है टीजर ट्रेलर में जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो कास्टिंग देखने को मिलते है, वो एक ऑन दी पॉइंट नज़र आती है डायरेक्टर सेम है इस वजह से जो फीलिंग है वो भी सेम नज़र आ रही है जो फिल्म आई थी सुरा राय है उसी तरह की एक पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है अब देखने वाली बात है कि उड़ान फिल्म को भी हिंदी डब में अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर अभी भी अवेलेबल रखा हुआ है तो सूरा राय पोत्रू का जो ये हिंदी डब वर्जन है उसको कई सारे लोगों ने देखा हुआ है अभी सरफेरा का जो रीमेक वर्जन बनाया है सूरा राय पोत्रू का तो उसको लोग कितना सराहना करते क्योंकि रिमे डब्ड वर्जन अवेलेबल है उस वजह से आप देखते चीज़ें सही बैठी हुई है टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है अगर आप दिमाग से सूरा राय पोत्रू का उड़ान हिंदी डब वर्जन अगर निकाल देते हो तो डेफ़िनेटली अगर ये फ्रेश फिल्म के तौर पे अगर कोई देखेगा तो उसको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि डायरेक्टर सेम है कास्टिंग अच्छी की गई अक्षय कुमार एक मंजे हुए कलाकार है परेश रावल जिन्होंने ऑलरेडी एक मंजे हुए कलाकार है ऑलरेडी वो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल प्ले कर रहे हैं तो चीज़ें कहीं सही जाते हुए नज़र आ रहे म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन दिक्कत एक यही है कि ये फिल्म रीमेक फिल्म है जहाँ पे डब्ड वर्जन ऑलरेडी चार साल पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया था अब देखने वाली बात ये है कि इस रिमेक वर्जन को लोग कितना क्या कि सराहाते अगर लोग भुला के इस फिल्म को देखने जाते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट कर दे क्योंकि ये थिएट्रिकली उड़ान फिल्म को नहीं एंजॉय किया था इस फिल्म को अगर कर पाए तो तो ये सभी चीज़ें अगर इस कुछ एस्पेक्ट के साथ ये फिल्म चलती है आगे बढ़ती है तो डेफ़िनेटली चलेगी जहाँ पे इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें 12 जुलाई 2024 की डेट सामने निकल के आई हुए थिएट्रिकल इस फिल्म को ये सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ करने वाले जहाँ पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तो फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ तो डेफिनेटली मिलने वाली है वैसे आसपास में काफ़ी बड़ी फिल्में इस फिल्म के साथ इंडियन टू जो हिंदुस्तानी टू नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में हिंदी मार्केट में रिलीज़ होगी लेकिन इस फिल्म को उतना कुछ असर नहीं होगा वैसे सरफ्रा फिल्म थिएट्रिकली अगर 12 जुलाई 2024 को पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करती है तो डेफ़िनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन करने की क्षमता रखती है क्योंकि रिमेक फिल्म में इस वजह से 150 करोड़ बोल रहा हूँ अदरवाइज़ अगर ये फिल्म फ्रेश आई होती या डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं होता ऑफिशियली उड़ान का या सरसूरा राय पोत्रू का उड़ान वर्जन नहीं अवेलेबल होता तो डेफिनेटली फिल्म ढाई सौ करोड़ के ऊपर जाने की क्षमता रखती है अभी सौ डेढ़ सौ दो सौ करोड़ के आसपास अगर ये फिल्म कलेक्शन कर लेती है सौ करोड़ का भी कलेक्शन पार करती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन हो गया इस फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म को ऑलरेडी लोगों ने ओरिजिनल वर्जन में देखा हुआ है लेकिन सरफ्रा जो इसका टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है वो डेफिनेटली पूरी तरह से ऑडियंस को अपील करते हुए नजर आते हैं अब देखने वाली बात है कि इसमें चेंजेस किस तरह से डायरेक्टर ने किए हुए हैं किस तरह से क्या चीज़ें सही बैठती है वो सभी चीज़ें रिलीज के बाद ही पता चलेगी अब ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो स्टार नेटवर्क के द्वारा राइट्स खरीदे गए डिजनी प्लस होट स्टार और स्टार गोल्ड के द्वारा तो थिएट्रिकल रिलीज के कुछ महीनों के बाद ही आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सरफिरा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा ओ टी टी रिलीज के कुछ महीनों के बाद स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर वहाँ पर फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरपिरा फिल्म फिलहाल में आप थिएट्रिकली बारह जुलाई दो से इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ये फिल्म डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको गोल, स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर ओ टी रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो इस तरह से सूर राय पोत्रू फिल्म आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे सरफिराज जो दो की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है सुधा कोंगरा सुधा कोंगरा ने डायलॉग्स पूजा तोलानी के थे स्क्रीन प्ले सुधा कोंगरा और सालिनी उषा देवी ने लिखा हुआ है सुधा कोंगरा के ऊपर बातचीत करें तो एक साउथ इंडियन डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले कई ऐसी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है जो हिंदी में एक साला खड़ूस करके आई थी वो फिल्म उन्होंने ही डिरेक्ट की हुई थी तो वो उन्होंने 2020 में एक सूरा राय पोत्रू करके फिल्म बनाई हुई थी सूरा राय पोत्रू का मीनिंग होता है प्रेज द ब्रेव यानी कि बहादुरी को आप सराहना करो तो वो एक 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म थी एक सिंपली डेक्कन करके बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था सिंपलीफाई अ डेक्कन ओडेसी करके एक बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ था तो वहाँ पे सूर्या ज्योति का उसके द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सूर्या अपर्णा बाला मुरली परेश रावल उसमें लीड रोल में थे उसको डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे सूर्या राय राय पोत्रू को हिंदी डब में उड़ान नाम के साथ गोल्ड ने खरीद कर अमेजॉन प्राइम वीडियो को ही बेचा हुआ था हिंदी डब वर्जन तो उड़ान को नाम से वहाँ पर प्रीमियर हुआ था तो सूर्या राय पोत्रू ने काफ़ी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया था तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और उड़ान नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में और फिल्म ने काफ़ी वाहवाही बटोरी हुई थी उसी समय इस फिल्म के रीमेक के राइट्स बेच दिए गए थे हिंदी वर्जन के रीमेक के राइट्स खरीदे गए थे जहाँ पे सुधा कोंगरा को ही अप्रोच किया गया था एज ए डायरेक्टर के तौर पे इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो अरुणा भाटिया विक्रम मल्होत्रा ज्योतिका और सूर्य के द्वारा इस फिल्म को अबुदंतिया एंटरटेनमेंट टू एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक अच्छे बजट में बनाया हुआ है वैसे उड़ान फिल्म सभी लोगों ने देखी हुई है लेकिन अक्षय कुमार को लेते हुए हिंदी वर्जन बनाया हुआ है तब जिन्होंने उस फिल्म को डब फिल्म को नहीं देखा है या अक्षय कुमार की फ़ैन है उनके लिए फिल्म डेफिनेटली एक अच्छी वर्क करेगी क्योंकि डायरेक्टर सेम है तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम ही रहने वाली है सिर्फ लोकेशंस और जो एक नॉर्थ इंडियन साइड थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की जाएगी जो एक नेटिविटी के हिसाब से चीज़ों को चेंज किया जाएगा इस फिल्म को महाराष्ट्र में बेस्ड किया हुआ है वो फिल्म तमिलनाडु चेन्नई में बेस्ड थी इस फिल्म की कास्ट में आपको अक्षय कुमार देखने को मिल जाएंगे राधिका मदन और परेश रावल तो परेश रावल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी निकेत बोमी रेड्डी ने की हुई है एडिटिंग है वो सतीश सूर्या ने की हुई है इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश तनिष बागची और सुहित अभियंकर के द्वारा कंपोज किए हुए जंगली म्यूजिक के द्वारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए इसके अलावा इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी आपको ही सुनने को मिलेगा क्योंकि इस फिल्म का जो और एक बात और है इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि सोरा राय पोथ्रू भी उ, उन्होंने ही डब किया सॉरी उन्होंने ही कंपोज किए उन्होंने मतलब कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जीवी प्रकाश कुमार ने ही ओरिजिनल गानों को कंपोज किया हुआ है यानी कि ओरिजिनल वर्जन था उसका जो स, उसके जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स उनके ही द्वारा कंपोज़ किए गए थे तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों जिस वजह से इसमें भी उनको रिप्राइज किया हुआ है तो शायद आपको म्यूजिक भी लगभग लगभग सेम सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर तो डेफिनेटली सेम होगा गानों में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे अभी तक तो एक दो ही गाने इस फिल्म के रिलीज़ किए गए हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे जहाँ पे गानों को जंगली म्यूज़िक ने टाइम्स म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ किया हुआ क्योंकि वही ओन करता है उस यूट्यूब चैनल को उस कंपनी को कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार वीर महात्रे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे परेश रावल ने परेश गोस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के एंटागोनिस्ट है राधिका मदन वीर की वाइफ का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी आर शरद कुमार ने वीर के कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स में है वही रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने वीर का माँ का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या के केम्यो डेफिनेटली देखने को मिलेगा वो किस तरह से एड किया है वो पता नहीं लेकिन में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस फिल्म की कहानी भी वही सोरा रय पोत्रू की तरह बनाई गई है जहाँ पे जो सिंपलीफ्लाई या डेक्कन ओडिसी करके जो बुक है उससे इंस्पायर्ड होकर इसको चेंज इसको बनाया हुआ है डेफ़िनेटली इस फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे लेकिन बेसिक पॉइंट है वो सेम रहेगा एक का वीर महात्रा नाम का इसमें व्यक्ति दिखाया जाएगा जो एक एयरफोर्स में कमांडिंग ऑफिसर है बाद में उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घंट घटनी घटती है उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो एक एयरलाइंस स्टार्ट करेगा ऐसी एयरलाइंस बनाएगा जो लो इनकम पीपल है जिसकी कमाई कम है वो इस फिल्म में दिखाया गया कि वो उसमें सफ़र कर पाए और ये डेफिनेटली पास्ट में बनी ही ये सभी चीज़ें हुई है जहाँ पे जीआर गोपीनाथ के द्वारा जो बुक लिखी गई थी तो वही ज़्यार ज़्यार बुक के ऊपर इस फिल्म को डेवलप किया बनाया हुआ तो ट्रू आ, स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें कि जन बारह जन जुलाई दो हज़ार इक्कीस को ज्योतिकार सूर्य के द्वारा इस फिल्म के टूडेंट ने अनाउंस किया था कि वो सूर्य राय पोत्रू का रीमेक वर्जन है हिंदी वो प्रोड्यूस करने वाले जहां पे सुधा कोंगरा ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जहां पे इस फिल्म के रीमेक के लिए वो विक्रम मल्होत्रा जो अभी अभुन्तया एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है उसके साथ कोलॉबरेट करने वाले रिपोर्ट एटली पता चला था कि अजय देवगन जॉन अब अक्षय कुमार ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स को सूर्या का जो रोल था उसके लिए अप्रोच किया जा रहा है कंसिडर किया जा रहा है लेटर ऑन बाद में चीज़ें पता चली जिस तरह से जो एक्टर्स बिजी थे उस हिसाब से चेक चेक किया गया तब अगस्त में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि आ, इस फिल्म में जो को प्रोड्यूसर है वो ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर सीखे एंटरटेनमेंट ही होने उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की हुई थी कि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उनके साथ कुछ बातचीत नहीं हुई रिमिक के राइट्स के ऊपर हाउ लेटर ऑन अबोदया एंटरटेनमेंट ने सभी चीज़ों को आ, विदाउट कंसर्न सभी चीज़ों का को हम पेश किया होता था कोर्ट में जा बाद में अर्ली सेम्टेबर में केस के को क्लोज किया गया था सिक्ख्या एंटरटेनमेंट इस प्रोडक्शन में नहीं जुड़ी थी अक्षय कुमार को बाद में अनाउंस किया गया 25 अप्रैल 2022 को कि वो सूर्या का रोल रिप्राइज करने वाले और वही इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी करेंगे इस फिल्म की पूजा सेरेमनी मुंबई में रखी गई थी जहाँ पे काट और क्रू मेंबर शामिल थे जहाँ पे बताया गया राधिका मदन और परेश रावल भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था तेरह फरवरी दो को फिल्म की जब रिलीज डेट अनाउंस की गई उसके साथ ही अनाउंस किया गया था बारह जुलाई दो हज़ार रिलीज डेट फिक्स की गई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो पहले शेड्यूल के साथ मुंबई में 25 अप्रैल 2022 को स्टार्ट की गई थी राधिका मदन ने अपने पोर्शन की शूटिंग थी तेईस अक्टूबर तक कंप्लीट करवाई थी उसके बाद में 2023 तक इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम ले जाया गया था और फिल्म की प्रॉपर रिलीज डेट के लिए इस फिल्म को बाद में दो के लिए पोस्टपोन किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनल फिल्म में जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज़ किए थे वो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए वैसे सॉन्ग्स में उनको और भाग्यौ सुनकर की भी मदद मिली हुई है लिरिक्स में मनोज मुंतासिर श्लोक लाल तनिस बाकी जैसे कंपोज़र भी जुड़े हुए थे लिरिक्स जुड़े हुए थे अप्रैल 2022 में अनाउंस किया गया था कि जी प्रकाश के द्वारा कि वो इस फिल्म का पहला गाना कंपोज़ किए हुए जहाँ पे सेकंड कोलाब्रेशन है सुधा कोंगारा के द्वारा उनके ससुराल राई पोत्र के बाद और अक्षय कुमार के द्वारा दो सात पहला कोलाब्रेशन है म्यूजिक के राइट्स जंगली म्यूजिक ने खरीदे हुए थे उन्होंने टाइम्स म्यूजिक के चैनल के ऊपर इसका पहला गाना रिलीज़ किया मार उड़ी जिसको चौबीस जून दो हजार चौबीस को रिलीज किया गया था लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर ने और म्यूजिक वी प्रकाश कुमार ने दिया हुआ था यादू कृष्णन सुगंधा शेखर और हस्तोन रोड्रिगस और अभिजीत राव ने उसको गाया हुआ था तो ये इतने सिंगर्स थे जिन्होंने गाना गाया था इस गाने को एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में टाइम्स म्यूजिक के द्वारा सत्ताईस जून दो को इसका सेकंड जहाँ पे खुदाया करके उस गाने का नाम रखा हुआ था उस गाने को लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर शुक्ला ने वहीं पे सिंगर थे सागर भाटी सुत अभियानकर म्यूजिक का प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और कोरस अरेंजमेंट सुभियांकर ने किया हुआ था म्यूजिक का सुपरवाइजर थे अजीम दयानी मेगा और विकास बाली रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे अवधूत वाटकर मोहसिन राजा और अभियर रूमेट ने उसके बाद में मिक्स और मास्टरिंग एरिक पिल्लाई ने की हुई थी तबला ढोलक का काम खान ने किया हुआ था और इस गाने को पूरी तरह से कंपोज किया हुआ था जी वी प्रकाश कुमार ने और इस गाने को जब रिलीज किया गया टाइम्स म्यूजिक के ऊपर वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म के जो गाने हैं जो सुनने को अभी तक मिले हैं दो गाने वो डेफिनेटली फिल्म का जो जो एक बैकग्राउंड uh, बताया गया जिस तरह फिल्म के एक माहौल में बनाया गया उसके साथ पूरी तरह से मज होते हुए नजर आते बैकग्राउंड स्कोर भी डेफिनेटली पूरी तरह से हिट करता हुआ नजर आता है टीजर ट्रेलर में जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो कास्टिंग देखने को मिलते हैं वो एक ऑन दी पॉइंट नजर आती है डायरेक्टर सेम है इस वजह से जो फीलिंग है वो भी सेम नज़र आ रही है जो फिल्म आई थी सुरा राय पोत्रू उसी तरह की एक पॉजिटिव वाइब नजर आ रही है अब देखने वाली बात यह कि उडान फिल्म को भी हिंदी डब में अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अभी भी अवेलेबल रखा हुआ है तो राय पोत्रु का जो ये हिंदी डब वर्जन है उसको कई सारे लोगों ने देखा हुआ है अब इस सरफेरा का जो रिमेक वर्जन बनाया है सूराराय पोत्रु का तो उसको लोग कितना सराहना करते क्योंकि डब ड वर्जन अवेलेबल है उस वजह से अब देखते चीजें सही बैठी हुई है टीजर ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है अगर आप दिमाग से स्वरा राय पोत्रु का उड़ान हिंदी डब वर्जन अगर निकाल देते हो तो डेफ़िनेटली अगर ये फ्रेश फिल्म के तौर पर अगर कोई देखेगा तो उसको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि डायरेक्टर से हमें कास्टिंग अच्छी की गई अक्षय कुमार एक मंजे हुए कलाकार है परेश रावल जिन्होंने ऑलरेडी एक मंजे हुए कलाकार है ऑलरेडी वो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल प्ले कर रहे हैं तो चीज़ें कहीं सही जाती हुई नज़र आ रहे म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन दिक्कत एक यही है कि ये फिल्म रीमेक फिल्म है जहाँ पे डब्ड वर्ज़न ऑलरेडी चार साल पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया था अब देखने वाली बात ये है कि इस रीमेक वर्जन को लोग कितना क्या कि सराहाते अगर लोग भुला के इस फिल्म को देखने जाते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट कर दे क्योंकि ये थिएट्रिकली उड़ान फिल्म को नहीं एंजॉय किया था इस फिल्म को अगर कर पाए तो तो ये सभी चीज़ें अगर इस कुछ एस्पेक्ट के साथ ये फिल्म चलती दे, आगे बढ़ती है तो डेफ़िनेटली चलेगी जहाँ पे इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें 12 जुलाई 2024 की डेट सामने निकल के आई हुए थिएट्रिकल इस फिल्म को ये सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ करने वाले जहाँ पे पेन कर एंटरटेनमेंट इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तो फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ तो डेफ़िनेटली मिलने वाली है वैसे आसपास में काफ़ी बड़ी फिल्में इस फिल्म के साथ इंडियन टू जो हिंदुस्तानी टू नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में हिंदी मार्केट में रिलीज़ होगी लेकिन इस फिल्म को उतना कुछ असर नहीं होगा वैसे सरफ्रा फिल्म थिएट्रिकली अगर 12 जुलाई 2024 को पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करती है तो डेफ़िनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन करने की क्षमता रखती है क्योंकि रीमेक फिल्म में इस वजह से 150 करोड़ बोल रहा हूँ अदरवाइज अगर ये फ़िल्म फ्रेश आई होती या डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं होता ऑफिशियली उड़ान का या सरसूरा राय पोत्रू का उड़ान वर्जन नहीं अवेलेबल होता तो डेफिनेटली फिल्म ढाई सौ करोड़ के ऊपर जाने की क्षमता रखती है अभी सौ डेढ़ सौ दो सौ करोड़ के आसपास अगर ये फिल्म कलेक्शन कर लेती है सौ so, करोड़ का भी कलेक्शन पार करती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन हो गए इस फिल्म के लिए क्योंकि ये फिल्म को ऑलरेडी लोगों ने ओरिजिनल वर्जन में देखा हुआ है लेकिन सरफिरा जो इसका टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है वो डेफ़िनेटली पूरी तरह से ऑडियंस को अपील करते हुए नज़र आते हैं अब देखने वाली बात है कि इसमें चेंजेस किस तरह से डायरेक्टर ने किए हुए हैं किस तरह से क्या चीज़ें सही बैठती है वो सभी चीज़ें रिलीज के बाद ही पता चलेगी अब ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो स्टार नेटवर्क के द्वारा राइट्स खरीदे गए डिजनी प्लस होट स्टार और स्टार गोल्ड के द्वारा तो थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ही आपको डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सरफिरा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा ओ रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पर फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरफिरा फिल्म फिलहाल में आप थिएट्रिकली बारह जुलाई दो से इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ये फिल्म डिजनी प्लस हो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सूर राय पोत्रू फिल्म आप ऑफिशियली ओ और, और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे सर जो दो हज़ार चौबीस इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कौंगरान, सुधा कोंगरा ने सुधा कोंगरा ने डायलॉग्स पूजा तोलानी के थे स्क्रीन प्ले सुधा कोंगरा और सालिनी उषा देवी ने लिखा हुआ है सुधा कोंगरा के ऊपर बातचीत करें तो एक साउथ इंडियन डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले कई ऐसी फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ है जो हिंदी में एक साला खड़ूस करके आई थी वो फिल्म उन्होंने ही डिरेक्ट की हुई थी तो वो उन्होंने 2020 में एक सूरा राय पोत्रू करके फिल्म बनाई हुई थी सूरा राय पोत्रू का मीनिंग होता है प्रेज द ब्रेव यानी कि बहादुरी को आप सराहना करो तो वो एक 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म थी एक सिंपली डेक्कन करके बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था सिंपलीफाई अ डेक्कन ओडेसी करके एक बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ था तो वहाँ पे सूर्या ज्योति का उसके द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सूर्या अपर्णा बाला मुरली परेस रावल उसमें लीड रोल में थे उसको डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे सूर्या राय राय पोत्रू को हिंदी डब में उड़ान नाम के साथ गोल्ड माइंड ने ख़रीद कर अमेजोन प्राइम वीडियो को ही बेचा हुआ था हिंदी डब वर्जन तो उड़ान को नाम से वहाँ पर प्रीमियर हुआ था तो सूर्या राय पोत्रो ने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल किया था तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और उड़ान नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में और फिल्म ने काफ़ी वाहवाही बटोरी हुई थी उसी समय इस फिल्म के रीमेक के राइट्स बेच दिए गए थे हिंदी वर्जन के रीमेक के राइट्स खरीदे गए थे जहाँ पे सुधा कोंगरा को ही अप्रोच किया गया था एज ए डायरेक्टर के तौर पे इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो अरुणा भाटिया विक्रम मल्होत्रा ज्योतिका और सूर्य के द्वारा इस फिल्म को अबुदंतिया एंटरटेनमेंट टू एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक अच्छे बजट में बनाया हुआ है वैसे उड़ान फिल्म सभी लोगों ने देखी हुई है लेकिन अक्षय कुमार को लेते हुए हिंदी वर्जन बनाया हुआ है तब जिन्होंने उस फिल्म को डब फिल्म को नहीं देखा है या अक्षय कुमार की फ़ैन है उनके लिए फिल्म डेफिनेटली एक अच्छी वर्क करेगी क्योंकि डायरेक्टर सेम है तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम ही रहने वाली है सिर्फ लोकेशंस और जो एक नॉर्थ इंडियन साइड थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की जाएगी जो एक नेटिविटी के हिसाब से चीज़ों को चेंज किया जाएगा इस फिल्म को महाराष्ट्र में बेस्ड किया हुआ है वो फिल्म तमिलनाडु चेन्नई में बेस्ड थी इस फिल्म की कास्ट में आपको अक्षय कुमार देखने को मिल देंगे राधिका मदन और परेश रावल तो परेश रावल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी निकेत बोमी रेड्डी ने की हुई है एडिटिंग है वो सतीश सूर्या ने की हुई है इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो जी प्रकाश तनिष बागची और सुहित अभियंकर के द्वारा कंपोज किए हुए जंगली म्यूज़िक के द्वारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए इसके अलावा इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी आपको राए सुनने को मिलेगा क्योंकि इस फिल्म का जो और एक बात और है इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि सोरा राय पोत्रू ने भी उन्होंने ही डब किया सॉरी उन्होंने ही कंपोज किए उन्होंने मतलब कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जे प्रकाश कुमार ने ही ओरिजिनल गानों को कंपोज किया हुआ है यानी कि ओरिजिनल वर्जन था उसका जो उसके जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स उनके ही द्वारा कंपोज़ किए गए थे तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों जिस वजह से इसमें भी उनको रिप्राइज किया हुआ है तो शायद आपको म्यूजिक भी लगभग लगभग सेम सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर तो डेफ़िनेटली सेम होगा गानों में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे अभी तक तो एक दो ही गाने इस फिल्म के रिलीज़ किए गए हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे जहाँ पे गानों को जंगली म्यूजिक ने टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ किया हो क्योंकि वही ओन करता है उस यूट्यूब चैनल को उस कंपनी को कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार वीर महात्रे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे परेश रावल ने परेश गोस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के एंटागोनिस्ट है राधिका मदन वीर की वाइफ का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी आर शरद कुमार ने वीर के कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स में है वही रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने वीर का माँ का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या के केम्यो डेफिनेटली देखने को मिलेगा वो किस तरह से एड किया है वो पता नहीं लेकिन में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस फिल्म की कहानी भी वही सोरा रय पोत्रू की तरह बनाई गई है जहाँ पे जो सिंपलीफ्लाई या डेक्कन ओडिसी करके जो बुक है उससे इंस्पायर्ड होकर इसको चेंज इसको बनाया हुआ है डेफ़िनेटली इस फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे लेकिन बेसिक पॉइंट है वो सेम रहेगा एक वीर महात्रा नाम का इसमें व्यक्ति दिखाया जाएगा जो एक एयरफोर्स में कमांडिंग ऑफिसर है बाद में उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घंट घटनी घटती है उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो एक एयरलाइंस स्टार्ट करेगा ऐसी एयरलाइंस बनाएगा जो लो इनकम पीपल है जिसकी कमाई कम है वो इस फिल्म में दिखाया गया कि वो उसमें सफ़र कर पाए और ये डेफिनेटली पास्ट में बनी ही ये सभी चीज़ें हुई है जहाँ पे जे आर गोपीनाथ के द्वारा जो बुक लिखी गई थी तो वही बुक के ऊपर इस फिल्म को डेवलप किया बनाया हुआ तो ट्रू स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें कि वो जन बारह जन जुलाई दो हज़ार इक्कीस को ज्योतिकार सूर्या के द्वारा इस फिल्म के टू एंटरटेनमेंट ने अनाउंस किया था कि वो सूर्य राय पोत्रू का रीमेक वर्जन है हिंदी वो प्रोड्यूस करने वाले जहां पे सुधा कुंगरा ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जहां पे इस फिल्म के रीमेक के लिए वो विक्रम मल्होत्रा जो अभि अभुंतिया एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है उसके साथ कोलॉबरेट करने वाले रिपोर्ट एटली पता चला था कि अजय देवगन जॉन अब्राहम अक्षय कुमार ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स को सूर्या का जो रोल था उसके लिए अप्रोच किया जा रहा है कंसिडर किया जा रहा है लेटर ऑन बाद में चीज़ें पता चली जिस तरह से जो एक्टर्स बिजी थे उस हिसाब से चेक चेक किया गया तब अगस्त में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि आ, इस फिल्म में जो को प्रोड्यूसर है वो ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर सीखे एंटरटेनमेंट ही होने उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की हुई थी कि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उनके साथ कुछ बातचीत नहीं हुई रिमेक के राइट्स के ऊपर हाउ एर लेटर ऑन अवोदया एंटरटेनमेंट ने सभी चीज़ों को आ, विदाउट कंसर्न सभी चीज़ों का को हम पेश किया होता कोर्ट में जा बाद में अर्ली सेम में केस के को क्लोज किया गया था सीखे इंटरटेनमेंट इस प्रोडक्शन में नहीं जुड़ी थी अक्षय कुमार को बाद में अनाउंस किया गया 25 अप्रैल 2022 को कि वो सूर्या का रोल रिप्राइज करने वाले और वही इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी करेंगे इस फिल्म की पूजा सेरेमनी मुंबई में रखी गई थी जहाँ पे काट और क्र्यू मेंबर शामिल थे जहाँ पे बताया गया राधिका मदन और परेश रावल भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था तेरह फरवरी दो को फिल्म की जब रिलीज डेट अनाउंस की गई उसके साथ ही अनाउंस किया गया था बारह जुलाई दो को रिलीज डेट फिक्स की गई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो पहले शेड्यूल के साथ मुंबई में 25 अप्रैल 2022 को स्टार्ट की गई थी राधिका मदन ने अपने पोर्शन की शूटिंग थी तेईस अक्टूबर तक कंप्लीट करवाई थी उसके बाद में 2023 तक इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम ले जाया गया था और फिल्म की प्रॉपर रिलीज डेट के लिए इस फिल्म को बाद में दो के लिए पोस्टपोन किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनल फिल्म में जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए थे वो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए वैसे सॉन्ग्स में उनको तनिज भाग्य और सुहित अभियानकर के भी मदद मिली हुई है लिरिक्स में मनोज मुंतासिर श्लोक लाल तनिस बागची जैसे कंपोजर भी जुड़े हुए थे लिरिस्ट जुड़े हुए थे अप्रैल 2022 में अनाउंस किया गया था कि जीवी प्रकाश के द्वारा कि वो इस फिल्म का पहला गाना कंपोज किए हुए जहाँ पे सेकंड कोलाब्रेशन है सुधा कोंगारा के द्वारा उनके सुसुर पोत्रु के बाद और अक्षय कुमार के द्वारा दो सात पहला कोलाब्रेशन है म्यूजिक के राइट्स जंगली म्यूजिक ने खरीदे हुए थे उन्होंने टाइम्स म्यूजिक के चैनल के ऊपर इसका पहला गाना रिलीज़ किया मार उड़ी जिसको चौबीस जून दो हजार चौबीस को रिलीज किया गया था लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर ने और म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार ने दिया हुआ था यादव कृष्णन सुगंधा शेखर और हस्तोन रोड्रिगस और अभिजीत राव ने उसको गाया हुआ था तो ये इतने सिंगर्स थे जिन्होंने ये गाना गाया था इस गाने को एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में टाइम्स म्यूजिक के द्वारा सत्ताईस जून दो हज़ार चौबीस को इसका सेकंड यहाँ पे खुदाया करके उस गाने का नाम रखा हुआ था उस गाने को लिखा हुआ था मनोज मुंता शुक्ला ने वहीं पर सिंगर थे सागर भाटी भियांकर म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और कोरस अरेंजमेंट सुभियांकर ने किया हुआ था म्यूजिक का सुपरवाइजर थे अजीम दयानी मेगा और विकास बाली रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे अवधूत वाटकर मोहसिन राजा और अभियर रुमेट ने उसके बाद में मिक्स और मास्टरिंग एरिक पिल्लाई ने की हुई थी टबला ढोलक का काम खान ने किया हुआ था और इस गाने को पूरी तरह से कंपोज किया हुआ था जी वी प्रकाश कुमार ने और इस गाने को जब रिलीज़ किया गया टाइम्स म्यूजिक के ऊपर वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म के जो गाने हैं जो सुनने को अभी तक मिले हैं दो गाने वो डेफिनेटली फिल्म का जो जो एक बैकग्राउंड uh, बताया गया जिस तरह फिल्म के एक माहौल में बनाया गया उसके तरह साथ पूरी तरह से मज होते हुए नज़र आते हैं बैकग्राउंड स्कोर भी डेफिनेटली पूरी तरह से हिट करता हुआ नजर आता है टीजर ट्रेलर में जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो कास्टिंग देखने को मिलते है, वो एक ऑन दी पॉइंट नज़र आती है डायरेक्टर सेम है इस वजह से जो फीलिंग है वो भी सेम नज़र आ रही है जो फिल्म आई थी सुरा राय पोत्रू उसी तरह की एक पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है अब देखने वाली बात है कि उडान फिल्म को भी हिंदी डब में अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अभी भी अवेलेबल रखा हुआ है तो राय पोत्रु का जो ये हिंदी डब वर्जन है उसको कई सारे लोगों ने देखा हुआ है अभी इस का जो रीमेक वर्जन बनाया है और सुरारा पोत्रू का तो उसको लोग कितना सराहना करते क्योंकि रिमे डब्ड वर्जन अवेलेबल है उस वजह से अब देखते हैं चीज़ें सही बैठी हुई है टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है अगर आप दिमाग से सरा राय पोत्रू का उड़ान हिंदी डब वर्जन अगर निकाल देते हो तो डेफ़िनेटली अगर ये फ्रेश फिल्म के तौर पर अगर कोई देखेगा तो उसको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि डायरेक्टर सेम है कास्टिंग अच्छी की गई अक्षय कुमार एक मंजे हुए कलाकार है परेश रावल जिन्होंने ऑलरेडी एक मंजे हुए कलाकार है ऑलरेडी वो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल प्ले कर रहे हैं तो चीज़ें कहीं सही जाती हुई नज़र आ रहे हैं म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन दिक्कत एक यही है कि ये फिल्म रीमेक फिल्म है जहाँ पे डब्ड वर्जन ऑलरेडी चार साल पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया था अब देखने वाली बात ये है कि इस रिमेक वर्ज़न को लोग कितना क्या कि सराहते अगर लोग भुला के इस फिल्म को देखने जाते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट कर दे क्योंकि ये थिएट्रिकली उड़ान फिल्म को नहीं एंजॉय किया था इस फिल्म को अगर कर पाए तो तो ये सभी चीज़ें अगर इस कुछ एस्पेक्ट के साथ ये फिल्म चलती है आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली चलेगी जहाँ पे इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें 12 जुलाई 2024 की डेट सामने निकल के आई हुए थिएट्रिकल इस फिल्म को ये सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ करने वाले जहाँ पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तो फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ तो डेफिनेटली मिलने वाली है वैसे आसपास में काफ़ी बड़ी फिल्म है इस फिल्म के साथ इंडियन टू जो हिंदुस्तानी टू नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में हिंदी मार्केट में रिलीज़ होगी लेकिन इस फिल्म को उतना कुछ असर नहीं होगा वैसे सरफिरा फिल्म थिएट्रिकली अगर 12 जुलाई 2024 को पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करती है तो डेफ़िनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन करने की क्षमता रखती है क्योंकि रिमेक फिल्म में इस वजह से 150 करोड़ बोल रहा हूँ अदरवाइज अगर ये फिल्म फ्रेश आई होती या डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं होता ऑफिशियली उड़ान का या सरसूरा राय पोत्रू का उड़ान वर्जन नहीं अवेलेबल होता तो डेफिनेटली फिल्म ढाई सौ करोड़ के ऊपर जाने की क्षमता रखती है अभी सौ डेढ़ सौ दो सौ करोड़ के आसपास अगर ये फिल्म कलेक्शन कर लेती है सौ करोड़ का भी कलेक्शन पार करती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन हो गया इस फिल्म के लिए क्योंकि ये फिल्म को ऑलरेडी लोगों ने ओरिजिनल वर्जन में देखा हुआ है लेकिन सरफ्रा जो इसका टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है वो डेफ़िनेटली पूरी तरह से ऑडियंस को अपील करते हुए नज़र आते हैं अब देखने वाली बात है कि इसमें चेंजेस किस तरह से डायरेक्टर ने किए हुए हैं किस तरह से क्या चीज़ें सही बैठती है वो सभी चीज़ें रिलीज के बाद ही पता चलेगी अब ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो स्टार नेटवर्क के द्वारा राइट्स खरीदे गए डिजनी प्लस हॉट स्टार और स्टार गोल्ड के द्वारा तो थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ये आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सरपीरा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पर फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सरफिरा फिल्म फिलहाल में आप थिएट्रिकली 12 जुलाई 2024 से एंजॉय कर पाओगे वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ये फिल्म डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन प्रीमियर होती हुई नजर आएगी इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल स्टार गोल एच चैनल के ऊपर ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सूर राय पोत्रू फिल्म आप ऑफिशियली ओ और, और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे सर जो 2024 हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कौंगरान, सुधा कोंगरा ने सुधा कोंगरा ने डायलॉग्स पूजा तोलानी के थे स्क्रीन प्ले सुधा कोंगरा और सालिनी उषा देवी ने लिखा हुआ है सुधा कोंगरा के ऊपर बातचीत करें तो एक साउथ इंडियन डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले कई ऐसी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है जो हिंदी में एक साला खड़ूस करके आई थी वो फिल्म उन्होंने ही डायरेक्ट की हुई थी तो वो उन्होंने 2020 में एक सूरा राय पोत्रू करके फिल्म बनाई हुई थी सूरा राय पोत्रू का मीनिंग होता है प्रेज द ब्रेव यानी कि बहादुरी को आप सराहना करो तो वो एक 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म थी एक सिंपली डेक्कन करके बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था सिंपलीफाई अ डेक्कन ओडेसी करके एक बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ था तो वहाँ पे सूर्या ज्योति का उसके द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सूर्या अपर्णा बाला मुरली परेश रावल उसमें लीड रोल में थे उसको डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे सुररा रय राय, राय पोत्रू को हिंदी डब में उड़ान नाम के साथ गोल्ड माइंड खरीद कर अमेजॉन प्राइम वीडियो को ही बेचा हुआ था हिंदी डब वर्जन तो उड़ान को नाम से वहाँ पर प्रीमियर हुआ था तो सूर्या राय पोत्रू ने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल किया था तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और उड़ान नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में और फिल्म ने काफ़ी वाहवाही बटोरी हुई थी उसी समय इस फिल्म के रीमेक के राइट्स बेच दिए गए थे हिंदी वर्जन के रीमेक के राइट्स खरीदे गए थे जहाँ पे सुधा कोंगरा को ही अप्रोच किया गया था एज ए डायरेक्टर के तौर पे इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो अरुणा भाटिया विक्रम मल्होत्रा ज्योतिका और सूर्य के द्वारा इस फिल्म को अबुदंतिया एंटरटेनमेंट टू डी इंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक अच्छे बजट में बनाया हुआ है वैसे उड़ान फिल्म सभी लोगों ने देखी हुई है लेकिन अक्षय कुमार को लेते हुए हिंदी वर्जन बनाया हुआ है तब जिन्होंने उस फिल्म को डब फिल्म को नहीं देखा है या अक्षय कुमार की फैन है उनके लिए फिल्म डेफिनेटली एक अच्छी वर्क करेगी क्योंकि डायरेक्टर सेम है तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम ही रहने वाली है सिर्फ लोकेशंस और जो एक नॉर्थ इंडियन साइड थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की जाएगी जो एक नेटिविटी के हिसाब से चीज़ों को चेंज किया जाएगा इस फिल्म को महाराष्ट्र में बेस्ड किया हुआ है वो फिल्म तमिलनाडु चेन्नई में बेस्ड थी इस फिल्म की कास्ट में आपको अक्षय कुमार देखने को मिल जाएंगे राधिका मदन और परेश रावल तो परेश रावल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी निकेत बोमी रेड्डी ने की हुई है एडिटिंग है वो सतीश सूर्या ने की हुई है इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो जी प्रकाश तनिष बागची और सुहित अभियंकर के द्वारा कंपोज़ किए हुए जंगली म्यूजिक के द्वारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए इसके अलावा इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी आपको ही सुनने को मिलेगा क्योंकि इस फिल्म का जो और एक बात और है इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि सोरा राय ने भी उ, उन्होंने ही डब किया सॉरी उन्होंने ही कंपोज किए उन्होंने मतलब कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जी वी प्रकाश कुमार ने ही गानों को कंपोज किया हुआ है यानी कि ओरिजिनल वर्जन था उसका जो स, उसके जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स उनके ही द्वारा कंपोज़ किए गए थे तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों जिस वजह से इसमें भी उनको रिप्राइज किया हुआ है तो शायद आपको म्यूजिक भी लगभग लगभग सेम सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर तो डेफ़िनेटली सेम होगा गानों में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे अभी तक तो एक दो ही गाने इस फिल्म के रिलीज़ किए गए हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे जहाँ पे गानों को जंगली म्यूज़िक ने टाइम्स म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ किया है क्योंकि वही ओन करता है उस यूट्यूब चैनल को उस कंपनी को कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार वीर महात्रे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे परेश रावल ने परेश गोस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के एंटागोनिस्ट है राधिका मदन वीर की वाइफ का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगी आर शरद कुमार ने वीर के कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स में है वही रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने वीर का माँ का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या के केम्यो डेफिनेटली देखने को मिलेगा वो किस तरह से एड किया है वो पता नहीं लेकिन में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस फिल्म की कहानी भी वही सोरा रे पोत्रू की तरह बनाई गई है जहाँ पे जो सिंप्लीफ्लाई या डेक्कन ओडिसी करके जो बुक है उससे इंस्पायर्ड होकर इसको चेंज इसको बनाया हुआ है डेफ़िनेटली इस फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे लेकिन बेसिक पॉइंट है वो सेम रहेगा एक का वीर महात्रा नाम का इसमें व्यक्ति दिखाया जाएगा जो एक एयरफोर्स में कमांडिंग ऑफिसर है बाद में उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घंट घटनी घटती है उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो एक एयरलाइंस स्टार्ट करेगा एसी एयरलाइंस बनाएगा जो लो इनकम पीपल है जिसकी कमाई कम है वो इस फिल्म में दिखाया गया कि वो उसमें सफ़र कर पाए और ये डेफिनेटली पास्ट में बनी ही ये सभी चीज़ें हुई है जहाँ पे जीआर गोपीनाथ के द्वारा जो बुक लिखी गई थी तो वही जा 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 बुक के ऊपर इस फिल्म को डेवलप किया बनाया हुआ तो ट्रू स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें कि जन बारह जन जुलाई दो हज़ार इक्कीस को ज्योतिकार सूर्य के द्वारा इस फिल्म के टूडेंट ने अनाउंस किया था कि वो सूर्य राय पोत्रू का रीमेक वर्जन है हिंदी वो प्रोड्यूस करने वाले जहां पे सुधा कोंगरा ही इस फिल्म को डरेक्ट करेंगे जहां पे इस फिल्म के रीमेक के लिए वो विक्रम मल्होत्रा जो अभित अभुन्तया एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है उसके साथ कोलॉबरेट करने वाले रिपोर्ट एटली पता चला था कि अजय देवगन जॉन अब्राम अक्षय कुमार ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स को सूर्या का जो रोल था उसके लिए अप्रोच किया जा रहा है कंसिडर किया जा रहा है लेटर ऑन बाद में चीज़ें पता चली जिस तरह से जो एक्टर्स बिजी थे उस हिसाब से चेक चेक किया गया तब अगस्त में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि आ, इस फिल्म में जो को प्रोड्यूसर है वो ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर सीखिया एंटरटेनमेंट ही होने उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की हुई थी कि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ कुछ बातचीत नहीं हुई रीमेक के राइट्स के ऊपर हाउ लेटर ऑन अबोदया एंटरटेनमेंट ने सभी चीज़ों को आ, विदाउट कंसन सभी चीज़ों का पेस को पेश किया होता कोर्ट में जा बाद में अर्ली सेम में केस के को क्लोज़ किया गया था सीखे एंटरटेनमेंट इस प्रोडक्शन में नहीं जुड़ी थी अक्षय कुमार को बाद में अनाउंस किया गया 25 अप्रैल 2022 को कि वो सूर्या का रोल रिप्राइज करने वाले और वही इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी करेंगे इस फिल्म की पूजा सेरेमनी मुंबई में रखी गई थी जहाँ पे काट और क्र्यू मेंबर शामिल थे जहाँ पे बताया गया राधिका मदन और परेश रावल भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था तेरह फरवरी दो को फिल्म की जब रिलीज डेट अनाउंस की गई उसके साथ ही अनाउंस किया गया था बारह जुलाई दो हजार रिलीज डेट फिक्स की गई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो पहले शेड्यूल के साथ मुंबई में 25 अप्रैल 2022 को स्टार्ट की गई थी राधिका मदन ने अपने पोर्शन की शूटिंग थी तेईस अक्टूबर तक कंप्लीट करवाई थी उसके बाद में 2023 तक इस फिल्म की शूटिंग चली थी उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम ले जाया गया था और फिल्म की प्रॉपर रिलीज डेट के लिए इस फिल्म को बाद में दो के लिए पोस्टपोन किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनल फिल्म में जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए थे वो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए वैसे सॉन्ग्स में उनको तनिज बाग्यों और सुई तभी करके भी मदद मिली हुई है लिरिक्स में मनोज मुंतासी, श्लोक लाल तनिस बागची जैसे कंपोज़र भी जुड़े हुए थे लिरिक्स जुड़े हुए थे अप्रैल 2022 में अनाउंस किया गया था कि जी प्रकाश के द्वारा कि वो इस फिल्म का पहला गाना कंपोज़ किए हुए जहाँ पे सेकंड कोलोब्रेशन है सुधा कोंगारा के द्वारा उनके ससुराल रई पोत्र के बाद और अक्षय कुमार के द्वारा दो सात पहला कोलोब्रेशन है म्यूजिक के राइट्स जंगली म्यूजिक ने खरीदे हुए थे उन्होंने टाइम्स म्यूजिक के चैनल के ऊपर इसका पहला गाना रिलीज़ किया मार उड़ी जिसको चौबीस जून दो को रिलीज किया गया था लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर ने और म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार ने दिया हुआ था यादव कृष्णन सुगंधा शेखर और हस्तोन रोड्रिगस और अभिजीत राव ने उसको गाया हुआ था तो ये इतने सिंगर्स थे जिन्होंने गाना गाया था इस गाने को एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में टाइम्स म्यूजिक के द्वारा सत्ताईस जून दो को इसका सेकंड यहाँ पे खुदाया करके उस गाने का नाम रखा हुआ था उस गाने को लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर शुक्ला ने वहीं पे सिंगर थे सागर भाटी सुत अभियानकर म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और कोरस अरेंजमेंट सुभियांकर ने किया हुआ था म्यूजिक का सुपरवाइजर थे अजीम दयानी मेघा और विकास बाली रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे अवधूत वाटकर मोहसिन राजा और अभियर रुमेट ने उसके बाद में मिक्स और मास्टरिंग एरिक पिल्लाई ने की हुई थी तबला ढोलक का काम खान ने किया हुआ था और इस गाने को पूरी तरह से कंपोज किया हुआ था जी वी प्रकाश कुमार ने और इस गाने को जब रिलीज़ किया गया टाइम्स म्यूजिक के ऊपर वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म के जो गाने हैं जो सुनने को अभी तक मिले दो गाने वो डेफिनेटली फिल्म का जो जो एक बैकग्राउंड एक बताया गया जिस तरह से फिल्म के एक माहौल में बनाया गया उसके साथ पूरी तरह से मज होते हुए नजर आते हैं बैकग्राउंड स्कोर भी डेफिनेटली पूरी तरह से हिट करता हुआ नजर आता है टीजर ट्रेलर में जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो कास्टिंग देखने को मिलते वो एक ऑन दी पॉइंट नज़र आती है डायरेक्टर सेम है इस वजह से जो फीलिंग है वो भी सेम नज़र आ रही है जो फिल्म आई थी सूरा राय पोत्रू उसी तरह की एक पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है अब देखने वाली बात है कि उड़ान फिल्म को भी हिंदी डब में अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अभी भी अवेलेबल रखा हुआ है तो सूर राय पोत्रू का जो ये हिंदी डब वर्जन है उसको कई सारे लोगों ने देखा हुआ है अब इस सरफेरा का जो रिमेक वर्जन बनाया है सूराराय पोत्रू का तो उसको लोग कितना सराहना करते क्योंकि डब्ड वर्जन अवेलेबल है उस वजह से अब देखते हैं चीजें सही बैठी हुई है टीजर ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है अगर आप दिमाग से स्वरा राय पोत्रु का उड़ान हिंदी डब वर्जन अगर निकाल देते हो तो डेफ़िनेटली अगर ये फ्रेश फिल्म के तौर पर अगर कोई देखेगा तो उसको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि डायरेक्टर से हमें कास्टिंग अच्छी की गई अक्षय कुमार एक मंजे हुए कलाकार है परेश रावल जिन्होंने ऑलरेडी एक मंजे हुए कलाकार है ऑलरेडी वो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल प्ले कर रहे हैं तो चीज़ें कहीं सही जाती हुई नज़र आ रहे हैं म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है लेकिन दिक्कत एक यही है कि ये फिल्म रीमेक फिल्म है जहाँ पे डब्ड वर्ज़न ऑलरेडी चार साल पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया था अब देखने वाली बात ये है कि इस रीमेक वर्जन को लोग कितना क्या सराहाते अगर लोग भुला के इस फिल्म को देखने जाते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट कर दे क्योंकि ये थिएट्रिकली उड़ान फिल्म को नहीं एंजॉय किया था इस फिल्म को अगर कर पाए तो तो ये सभी चीज़ें अगर इस कुछ एस्पेक्ट के साथ ये फिल्म चलती दे, आगे बढ़ती है तो डेफ़िनेटली चलेगी जहाँ पे इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें 12 जुलाई 2024 की डेट सामने निकल के आई हुए थिएट्रिकल इस फिल्म को ये सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ करने वाले जहाँ पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तो फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ तो डेफिनेटली मिलने वाली है वैसे आसपास में काफी बड़ी फिल्में इस फिल्म के साथ इंडियन टू जो हिंदुस्तानी टू नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में हिंदी मार्केट में रिलीज़ होगी लेकिन इस फिल्म को उतना कुछ असर नहीं होगा वैसे सरफ्रा फिल्म थिएट्रिकली अगर 12 जुलाई 2024 को पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करती है तो डेफ़िनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन करने की क्षमता रखती है क्योंकि रीमेक फिल्म में इस वजह से 150 करोड़ बोल रहा हूँ अदरवाइज़ अगर ये फिल्म फ्रेश आई होती या डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं होता ऑफिशियली उड़ान का या सरसूरा राय पोत्रू का उड़ान वर्जन नहीं अवेलेबल होता तो डेफिनेटली फिल्म ढाई सौ करोड़ के ऊपर जाने की क्षमता रखती है अभी सौ डेढ़ सौ दो सौ करोड़ के आसपास अगर ये फिल्म कलेक्शन कर लेती है 100 करोड़ का भी कलेक्शन पार करती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन हो गए इस फिल्म के लिए क्योंकि ये फिल्म को ऑलरेडी लोगों ने ओरिजिनल वर्जन में देखा हुआ है लेकिन सरफिरा जो इसका टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है वो डेफिनेटली पूरी तरह से ऑडियंस को अपील करते हुए नजर आते हैं अब देखने वाली बात है कि इसमें चेंजेस किस तरह से डायरेक्टर ने किए हुए हैं किस तरह से क्या चीज़ें सही बैठती है वो सभी चीज़ें रिलीज के बाद ही पता चलेगी अब ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो स्टार नेटवर्क के द्वारा राइट्स खरीदे गए डिजनी प्लस हॉट स्टार और स्टार गोल्ड के द्वारा तो थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ही आपको डिजनी प्लस Hotstar स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सरफीरा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा ओ रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पर फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरपिरा फिल्म फिलहाल में आप थिएट्रिकली बारह जुलाई दो से इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ये फिल्म डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको गोल, स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो इस तरह से सूर राय पोत्रू फिल्म आप ऑफिशियली टी और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे सरफिराज जो दो हज़ार चौबीस के इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है सुधा कोंगरा ने सुधा कोंगरा ने डायलॉग्स पूजा तोलानी के थे स्क्रीन प्ले सुधा कोंगरा और सालिनी उषा देवी ने लिखा हुआ है सुधा कोंगरा के ऊपर बातचीत करें तो एक साउथ इंडियन डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले कई ऐसी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है जो हिंदी में एक साला खड़ूस करके आई थी वो फिल्म उन्होंने ही डायरेक्ट की हुई थी तो वो उन्होंने 2020 में एक सूरा राय पोत्रू करके फिल्म बनाई हुई थी सूरा राय पोत्रू का मीनिंग होता है प्रेज द ब्रेव यानि कि बहादुरी को आप सराहना करो तो वो एक 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म थी एक सिंपली डेक्कन करके बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था सिंपलीफाई अ डेक्कन ओडेसी करके एक बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ था तो वहाँ पे सूर्या ज्योति का उसके द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सूर्या अपर्णा बाला मुरली परेश रावल उसमें लीड रोल में थे उसको डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे सूर्या राय, राय पोत्रू को हिंदी डब में उड़ान नाम के साथ गोल्ड माइंड ने ख़रीद कर अमेजन प्राइम वीडियो को ही बेचा हुआ था हिंदी डब वर्जन तो उड़ान को नाम से वहाँ पर प्रीमियर हुआ था तो सूर्या राय पोत्रू ने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल किया था तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और उड़ान नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में और फिल्म ने काफ़ी वाहवाही बटोरी हुई थी उसी समय इस फिल्म के रीमेक के राइट्स बेच दिए गए थे हिंदी वर्जन के रीमेक के राइट्स खरीदे गए थे जहाँ पे सुधा कोंगरा को ही अप्रोच किया गया था एज ए डायरेक्टर के तौर पे इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो अरुणा भाटिया विक्रम मल्होत्रा ज्योतिका और सूर्य के द्वारा इस फिल्म को अबुदंतिया एंटरटेनमेंट टू एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक अच्छे बजट में बनाया हुआ है वैसे उड़ान फिल्म सभी लोगों ने देखी हुई है लेकिन अक्षय कुमार को लेते हुए हिंदी वर्जन बनाया हुआ है तब जिन्होंने उस फिल्म को डब फिल्म को नहीं देखा है या अक्षय कुमार की फ़ैन है उनके लिए फिल्म डेफिनेटली एक अच्छी वर्क करेगी क्योंकि डायरेक्टर सेम है तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम ही रहने वाली है सिर्फ लोकेशंस और जो एक नॉर्थ इंडियन साइड थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की जाएगी जो एक नेटिविटी के हिसाब से चीज़ों को चेंज किया जाएगा इस फिल्म को महाराष्ट्र में बेस्ड किया हुआ है वो फिल्म तमिलनाडु चेन्नई में बेस्ड थी इस फिल्म की कास्ट में आपको अक्षय कुमार देखने को मिल देंगे राधिका मदन और परेश रावल तो परेश रावल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी निकेत बोमी रेड्डी ने की हुई है एडिटिंग है वो सतीश सूर्या ने की हुई है इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश तनिष बागची और सुहित अभियंकर के द्वारा कंपोज किए हुए जंगली म्यूजिक के द्वारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए इसके अलावा इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी आपको ही सुनने को मिलेगा क्योंकि इस फिल्म का जो और एक बात और है इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि सोरा राय पोत्रू उन्होंने ही डब किया सॉरी उन्होंने उन्होंने कंपोज मतलब कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जी वी प्रकाश कुमार ने ही को कंपोज किया हुआ है यानी कि ओरिजिनल वर्जन था उसका जो उसके जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स उनके ही द्वारा कंपोज किए गए थे तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों जिस वजह से इसमें भी उनको रिप्राइज किया हुआ है तो शायद आपको म्यूजिक भी लगभग लगभग सेम सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर तो डेफ़िनेटली सेम होगा गानों में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे अभी तक तो एक दो ही गाने इस फिल्म के रिलीज़ किए गए हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे जहाँ पे गानों को जंगली म्यूज़िक ने टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ किया हुआ क्योंकि वही ओन करता है उस यूट्यूब चैनल को उस कंपनी को कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार वीर महात्रे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे परेश रावल ने परेश गोस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के इंटागोनिश है राधिका मदन वीर की वाइफ का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी आर शरद कुमार ने वीर के कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स में है वो वही रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने वीर का माँ का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या के केम्यो डेफिनेटली देखने को मिलेगा वो किस तरह से एड किया है वो पता नहीं लेकिन केम्यो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस फिल्म की कहानी भी वही सोरा राय पोत्रू की तरह बनाई गई है जहाँ पे जो सिंपलीफ्लाई या डेक्कन ओडिसी करके जो बुक है उससे इंस्पायर्ड होकर इसको चेंज इसको बनाया हुआ है डेफ़िनेटली इस फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे लेकिन बेसिक पॉइंट है वो सेम रहेगा एक का वीर महात्रा नाम का इसमें व्यक्ति दिखाया जाएगा जो एक एयरफोर्स में कमांडिंग ऑफिसर है बाद में उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घंट घटनी घटती है उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो एक एयरलाइंस स्टार्ट करेगा ऐसी एयरलाइंस बनाएगा जो लो इनकम पीपल है जिसकी कमाई कम है वो इस फिल्म में दिखाया गया कि वो उसमें सफ़र कर पाए और ये डेफिनेटली पास्ट में बनी ही ये सभी चीज़ें हुई है जहाँ पे जी आर गोपीनाथ के द्वारा जो बुक लिखी गई थी तो वही बुक के ऊपर इस फिल्म को डेवलप किया बनाया हुआ तो ट्रू स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें कि जन बारह जन जुलाई 2021 को ज्योतिकार सूर्या के द्वारा इस फिल्म के टू डेंट ने अनाउंस किया था कि वो सूर्य राय पोत्रू का रीमेक वर्जन है हिंदी वो प्रोड्यूस करने वाले जहां पे सुधा कुंगरा ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जहां पे इस फिल्म के रीमेक के लिए वो विक्रम मल्होत्रा जो अभी अभुंतिया एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है उसके साथ कोलॉबरेट करने वाले रिपोर्ट एटली पता चला था कि अजय देवगन अब राम अक्षय कुमार ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स को सूर्या का जो रोल था उसके लिए अप्रोच किया जा रहा है कंसिडर किया जा रहा है लेटर ऑन बाद में चीज़ें पता चली जिस तरह से जो एक्टर्स बिजी थे उस हिसाब से चेक चेक किया गया तब अगस्त में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि आ, इस फिल्म में जो को प्रोड्यूसर है वो ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर सीखे एंटरटेनमेंट ही होने उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की हुई थी कि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उनके साथ कुछ बातचीत नहीं हुई रिमिक के राइट्स के ऊपर हाउ लेटर ऑन अभोदया एंटरटेनमेंट ने सभी चीज़ों को विदाउट कंसर्ट सभी चीज़ों का को हमारा पेश किया होता कोर्ट में जा बाद में अर्ली सेम्टेमर में के केस को क्लोज़ किया गया था सिक्ख्या एंटरटेनमेंट इस प्रोडक्शन में नहीं जुड़ी थी अक्षय कुमार को बाद में अनाउंस किया गया 25 अप्रैल 2022 को कि वो सूर्या का रोल रिप्राइज करने वाले और वही इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी करेंगे इस फिल्म की पूजा सेरेमनी मुंबई में रखी गई थी जहाँ पे काठ और क्रू मेंबर शामिल थे जहाँ पे बताया गया राधिका मदन और परेश रावल भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था तेरह फरवरी दो को फिल्म की जब रिलीज डेट अनाउंस की गई उसके साथ ही अनाउंस किया गया था बारह जुलाई दो हज़ार रिलीज डेट फिक्स की गई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो पहले शेड्यूल के साथ मुंबई में 25 अप्रैल 2022 को स्टार्ट की गई थी राधिका मदन ने अपने पोर्शन की शूटिंग थी तेईस अक्टूबर तक कंप्लीट करवाई थी उसके बाद में 2023 तक इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम ले जाया गया था और फिल्म की प्रॉपर रिलीज डेट के लिए इस फिल्म को बाद में दो के लिए पोस्टपोन किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनल फिल्म में जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज़ किए थे वो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए जहाँ पे जी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए वैसे सॉन्ग्स में उनको तनिष भाग्यो और सुहित अभियानकर की भी मदद मिली हुई है लिरिक्स में मनोज मुंतासिर श्लोक लाल तनिस बागची जैसे कंपोज़र भी जुड़े हुए थे लिरिस्टिस जुड़े हुए थे अप्रैल 2022 में अनाउंस किया गया था कि जीवी प्रकाश के द्वारा कि वो इस फिल्म का पहला गाना कंपोज किए हुए जहाँ पे सेकंड कोलाब्रेशन है सुधा कोंगारा के द्वारा उनके सुसुराराई पोत्रु के बाद और अक्षय कुमार के द्वारा तो सात पहला कोलाब्रेशन है म्यूजिक के राइट्स जंगली म्यूजिक ने खरीदे हुए थे उन्होंने टाइम्स म्यूजिक के चैनल के ऊपर इसका पहला गाना रिलीज़ किया मार उड़ी जिसको चौबीस जून दो को रिलीज़ किया गया था लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर ने और म्यूजिक वी प्रकाश कुमार ने दिया हुआ था यादव कृष्णन सुगंधा शेखर और हस्तोन रोड्रिगस और अभिजीत राव ने उसको गाया हुआ था तो ये इतने सिंगर्स थे जिन्होंने गाना गाया था इस गाने को एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में टाइम्स म्यूजिक के द्वारा सत्ताईस जून 2024 को इसका सेकंड यहाँ पे खुदाया करके उस गाने का नाम रखा हुआ था उस गाने को लिखा हुआ था मनोज मुंता शुक्ला ने वहीं पर सिंगर थे सागर भाटी सुत अभियंकर म्यूजिक का प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और कोरस अरेंजमेंट सुभियांकर ने किया हुआ था म्यूजिक का सुपरवाइजर थे अजीम दयानी मेगा और विकास बाली रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे अवधूत वाटकर मोहसिन राजा और अभिया रोमेड ने उसके बाद में मिक्स और मास्टरिंग एरिक पिल्लाई ने की हुई थी टबला ढोलक का काम इस्ती ने किया हुआ था और इस गाने को पूरी तरह से कंपोज किया हुआ था जी वी प्रकाश कुमार ने और इस गाने को जब रिलीज़ किया गया टाइम्स म्यूजिक के ऊपर वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म के जो गाने हैं जो सुनने को अभी तक मिले दो गाने वो डेफिनेटली फिल्म का जो जो एक बैकग्राउंड uh, बताया गया जिस तरह से फिल्म के एक माहौल में बनाया गया उसके साथ पूरी तरह से मज होते हुए नज़र आते हैं बैकग्राउंड स्कोर भी डेफिनेटली पूरी तरह से हिट करता हुआ नज़र आता है टीजर ट्रेलर में जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो कास्टिंग देखने को मिलते है वो एक ऑन दी पॉइंट नज़र आती है डायरेक्टर सेम है इस वजह से जो फीलिंग है वो भी सेम नज़र आ रही है जो फिल्म आई थी सुरा राय पोत्रू उसी तरह की एक पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है अब देखने वाली बात है कि उडान फिल्म को भी हिंदी डब में अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर अभी भी अवेलेबल रखा हुआ है तो राय पोत्रु का जो ये हिंदी डब वर्जन है उसको कई सारे लोगों ने देखा हुआ है अभी इस सरफेरा का जो रीमेक वर्जन बनाया है सूराराय पोत्रू का तो उसको लोग कितना सराहना करते क्योंकि रिमे डब्ड वर्जन अवेलेबल है उस वजह से अब देखते चीजें सही बैठी हुई है टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है अगर आप दिमाग से सूर्य राय पोत्रू का उड़ान हिंदी डब वर्जन अगर निकाल देते हो तो डेफ़िनेटली अगर ये फ्रेश फिल्म के तौर पर अगर कोई देखेगा तो उसको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि डायरेक्टर से हमें कास्टिंग अच्छी की गई अक्षय कुमार एक मंजे हुए कलाकार है परेश रावल जिन्होंने ऑलरेडी एक मंजे हुए कलाकार है ऑलरेडी वो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल प्ले कर रहे हैं तो चीज़ें कहीं सही जाती हुई नज़र आ रहे म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन दिक्कत एक यही है कि ये फिल्म रीमेक फिल्म है जहाँ पे डब्ड वर्ज़न ऑलरेडी चार साल पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया था अब देखने वाली बात ये है कि इस रीमेक वर्जन को लोग कितना क्या कि सराहाते अगर लोग भुला के इस फिल्म को देखने जाते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट कर दे क्योंकि ये थिएट्रिकली उड़ान फिल्म को नहीं एंजॉय किया था इस फिल्म को अगर कर पाए तो तो ये सभी चीज़ें अगर इस कुछ एस्पेक्ट के साथ ये फिल्म चलती दे, आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली चलेगी जहाँ पे इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें 12 जुलाई 2024 की डेट सामने निकल के आई हुए थिएट्रिकल इस फिल्म को ये सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ करने वाले जहाँ पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तो फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ तो डेफ़िनेटली मिलने वाली है वैसे आसपास में काफ़ी बड़ी फिल्म है इस फिल्म के साथ इंडियन टू जो हिंदुस्तानी टू नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में हिंदी मार्केट में रिलीज़ होगी लेकिन इस फिल्म को उतना कुछ असर नहीं होगा वैसे सरफिरा फिल्म थिएट्रिकली अगर 12 जुलाई 2024 को पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करती है तो डेफ़िनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन करने की क्षमता रखती है क्योंकि रीमेक फिल्म में इस वजह से डेढ़ करोड़ बोल रहा हूँ अदरवाइज अगर ये फिल्म फ्रेश आई होती या डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं होता ऑफिशियली उड़ान का या सरसुरा राय पोत्रू का उड़ान वर्जन नहीं अवेलेबल होता तो डेफिनेटली फिल्म ढाई सौ करोड़ के ऊपर जाने की क्षमता रखती है अभी सौ डेढ़ सौ दो सौ करोड़ के आसपास अगर ये फिल्म कलेक्शन कर लेती है सौ करोड़ का भी कलेक्शन पार करती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन हो गया इस फिल्म के लिए क्योंकि ये फिल्म को ऑलरेडी लोगों ने ओरिजिनल वर्जन में देखा हुआ है लेकिन सरफ्रा जो इसका टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है वो डेफ़िनेटली पूरी तरह से ऑडियंस को अपील करते हुए नज़र आते हैं अब देखने वाली बात है कि इसमें चेंजेस किस तरह से डायरेक्टर ने किए हुए हैं किस तरह से क्या चीज़ें सही बैठती है वो सभी चीज़ें रिलीज के बाद ही पता चलेगी अब ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो स्टार नेटवर्क के द्वारा राइट्स खरीदे गए डिजनी प्लस होट स्टार और स्टार गोल्ड के द्वारा तो थिएट्रिकल रिलीज के कुछ महीनों के बाद यह आपको डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सरपीरा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा ओ रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पर फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सरपीरा फिल्म फिलहाल में आप थिएट्रिकली 12 जुलाई 2024 से एंजॉय कर पाओगे वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ये फिल्म डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन प्रीमियर होती हुई नजर आएगी इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर ओ रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो इस तरह से सूर राय पोत्रू फिल्म आप ऑफिशियली ओ और, और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे सर जो 2024 हज़ार चौबीस इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कौंगरान, सुधा कोंगरा ने सुधा कोंगरा ने डायलॉग्स पूजा तोलानी के थे स्क्रीन प्ले सुधा कोंगरा और सालिनी उषा देवी ने लिखा हुआ है सुधा कोंगरा के ऊपर बातचीत करें तो एक साउथ इंडियन डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले कई ऐसी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है जो हिंदी में एक साला खड़ूस करके आई थी वो फिल्म उन्होंने ही डायरेक्ट की हुई थी तो वो उन्होंने 2020 में एक सूरा राय पोत्रू करके फिल्म बनाई हुई थी सुरा राय पोत्रू का मीनिंग होता है प्रेज द प्रेव यानी कि बहादुरी को आप सराहना करो तो वो एक 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म थी एक सिंपली डेक्कन करके बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था सिंपलीफाई अ डेक्कन ओडेसी करके एक बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ था तो वहाँ पे सूर्या ज्योति का उसके द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सूर्या अपर्णा बाला मुरली परेस रावल उसमें लीड रोल में थे उसको डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे सुररा रय राय पोत्रू को हिंदी डब में उड़ान नाम के साथ गोल्ड माइंड से ख़रीद कर अमेजोन प्राइम वीडियो को ही बेचा हुआ था हिंदी डब वर्जन तो उड़ान को नाम से वहाँ पर प्रीमियर हुआ था तो सूर्या राय पोत्रू ने काफ़ी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया था तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और उड़ान नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में और फिल्म ने काफ़ी वाहवाही बटोरी हुई थी उसी समय इस फिल्म के रीमेक के राइट्स बेच दिए गए थे हिंदी वर्जन के रीमेक के राइट्स खरीदे गए थे जहाँ पे सुधा कोंगरा को ही अप्रोच किया गया था एज ए डायरेक्टर के तौर पे इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो अरुणा भाटिया विक्रम मल्होत्रा ज्योतिका और सूर्य के द्वारा इस फिल्म को अबुदंतिया एंटरटेनमेंट टू एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक अच्छे बजट में बनाया हुआ है वैसे उड़ान फिल्म सभी लोगों ने देखी हुई है लेकिन अक्षय कुमार को लेते हुए हिंदी वर्जन बनाया हुआ है तब जिन्होंने उस फिल्म को डब फिल्म को नहीं देखा है या अक्षय कुमार की फ़ैन है उनके लिए फिल्म डेफिनेटली एक अच्छी वर्क करेगी क्योंकि डायरेक्टर सेम है तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम ही रहने वाली है सिर्फ लोकेशंस और जो एक नॉर्थ इंडियन साइड थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की जाएगी जो एक नेटिविटी के हिसाब से चीज़ों को चेंज किया जाएगा इस फिल्म को महाराष्ट्र में बेस्ड किया हुआ है वो फिल्म तमिलनाडु चेन्नई में बेस्ड थी इस फिल्म की काश्त में आपको अक्षय कुमार देखने को मिल देंगे राधिका मदन और परेश रावल तो परेश रावल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी निकेत बोमी रेड्डी ने की हुई है एडिटिंग है वो सतीश सूर्या ने की हुई है इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो जी प्रकाश तनिष बागची और सुहित अभियंकर के द्वारा कंपोज किए हुए जंगली म्यूज़िक के द्वारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए इसके अलावा इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी आपको ही सुनने को मिलेगा क्योंकि इस फिल्म का जो और एक बात और है इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि सोरा राय पोत्रू ने भी उन्होंने ही डब किया सॉरी उन्होंने कंपोज किए उन्होंने मतलब कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जे वी प्रकाश कुमार ने ही ओरिजिनल गानों को कंपोज किया हुआ है यानी कि ओरिजिनल वर्जन था उसका जो उसके जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स उनके ही द्वारा कंपोज़ किए गए थे तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों जिस वजह से इसमें भी उनको रिप्राइज़ किया हुआ है तो शायद आपको म्यूज़िक भी लगभग लगभग सेम सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर तो डेफिनेटली सेम होगा गानों में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे अभी तक तो एक दो ही गाने इस फिल्म के रिलीज़ किए गए हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे जहाँ पे गानों को जंगली म्यूज़िक ने टाइम्स म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ किया होगा क्योंकि वही ओन करता है उस यूट्यूब चैनल को उस कंपनी को कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार वीर महात्रे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे परेश रावल ने परेश गोस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के इंटागोनिश है राधिका मदन वीर की वाइफ का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी आर शरद कुमार ने वीर के कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स में है वो वही रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने वीर का माँ का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या के केम्यो डेफिनेटली देखने को मिलेगा वो किस तरह से एड किया है वो पता नहीं लेकिन केम्यो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस फिल्म की कहानी भी वही सोरा रे पोत्रू की तरह बनाई गई है जहाँ पे जो सिंपलीफ्लाई या डेक्कन ओडिसी करके जो बुक है उससे इंस्पायर्ड होकर इसको चेंज इसको बनाया हुआ है डेफ़िनेटली इस फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे लेकिन बेसिक पॉइंट है वो सेम रहेगा एक का वीर महात्रा नाम का इसमें व्यक्ति दिखाया जाएगा जो एक एयरफोर्स में कमांडिंग ऑफिसर है बाद में उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घंट घटनी घटती है उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो एक एयरलाइंस स्टार्ट करेगा ऐसी एयरलाइंस बनाएगा जो लो इनकम पीपल है जिसकी कमाई कम है वो इस फिल्म में दिखाया गया कि वो उसमें सफ़र कर पाए और ये डेफिनेटली पास्ट में बनी ही ये सभी चीज़ें हुई है जहाँ पे जीआर गोपीनाथ के द्वारा जो बुक लिखी गई थी तो वही जा, जा 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 बुक के ऊपर इस फिल्म को डेवलप किया बनाया हुआ है तो ट्रू स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें कि वो जन बारह जन जुलाई दो हज़ार इक्कीस को ज्योतिकार सूर्या के द्वारा इस फिल्म के टूडेंट ने अनाउंस किया था कि वो सूर्य राय पोत्रू का रीमेक वर्जन है हिंदी वो प्रोड्यूस करने वाले जहां पे सुधा कोंगरा ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जहां पे इस फिल्म के रीमेक के लिए वो विक्रम मल्होत्रा जो अभी अभुंतिया एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है उसके साथ कोलॉबरेट करने वाले रिपोर्ट एटली पता चला था कि अजय देवगन जॉन अब्राहम अक्षय कुमार ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स को सूर्या का जो रोल था उसके लिए अप्रोच किया जा रहा है कंसिडर किया जा रहा है लेटर ऑन बाद में चीज़ें पता चली जिस तरह से जो एक्टर्स बिजी थे उस हिसाब से चेक चेक किया गया तब अगस्त में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि आ, इस फिल्म में जो को प्रोड्यूसर है वो ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर सीखे एंटरटेनमेंट थी होने उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की हुई थी कि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उनके साथ कुछ बातचीत नहीं हुई रिमेक के राइट्स के ऊपर हाउ लेटर ऑन अबोदया एंटरटेनमेंट ने सभी चीज़ों को विदाउट कंसर्ट सभी चीज़ों का को पेश किया होता कोर्ट में जा बाद में अर्ली सेम में केस के को क्लोज़ किया गया था सीखे एंटरटेनमेंट इस प्रोडक्शन में नहीं जुड़ी थी अक्षय कुमार को बाद में अनाउंस किया गया 25 अप्रैल 2022 को कि वो सूर्या का रोल रिप्राइज करने वाले और वही इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी करेंगे इस फिल्म की पूजा सेरेमनी मुंबई में रखी गई थी जहाँ पे काट और क्रू मेंबर शामिल थे जहाँ पे बताया गया राधिका मदन और परेश रावल भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था तेरह फरवरी दो को फिल्म की जब रिलीज डेट अनाउंस की गई उसके साथ ही अनाउंस किया गया था बारह जुलाई दो को रिलीज डेट फिक्स की गई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है व पहले शेड्यूल के साथ मुंबई में 25 अप्रैल 2022 को स्टार्ट की गई थी राधिका मदन ने अपने पोर्शन की शूटिंग थी तेईस अक्टूबर तक कंप्लीट करवाई थी उसके बाद में 2023 तक इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम ले जाया गया था और फिल्म की प्रॉपर रिलीज डेट के लिए इस फिल्म को बाद में दो के लिए पोस्टपोन किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनल फिल्म में जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए थे वो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे जी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए वैसे सॉन्ग्स में उनको तनिज भाग्यों और सुईित अभियानकर के भी मदद मिली हुई है लिरिक्स में मनोज मुंतासिर श्लोक लाल तनिष बागची जैसे कंपोज़र भी जुड़े हुए थे लिरिस्ट जुड़े हुए थे अप्रैल 2022 में अनाउंस किया गया था कि जी प्रकाश के द्वारा कि वो इस फिल्म का पहला गाना कंपोज़ किए हुए जहाँ पे सेकंड कोलाब्रेशन है सुधा कोंगारा के द्वारा उनके ससुराल रई पोत्र के बाद और अक्षय कुमार के द्वारा दो सात पहला कोलाब्रेशन है म्यूजिक के राइट्स जंगली म्यूजिक ने खरीदे हुए थे उन्होंने टाइम्स म्यूजिक के चैनल के ऊपर इसका पहला गाना रिलीज किया मार उड़ी जिसको चौबीस जून दो को रिलीज किया गया था लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर ने और म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार ने दिया हुआ था यादव कृष्णन सुगंधा शेखर और हस्तोन रोड्रिगस और अभिजीत राव ने उसको गाया हुआ था तो ये इतने सिंगर्स थे जिन्होंने गाना गाया था इस गाने को एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में टाइम्स म्यूजिक के द्वारा सत्ताईस जून दो को इसका सेकंड यहाँ पे खुदाया करके उस गाने का नाम रखा हुआ था उस गाने को लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर शुक्ला ने वहीं पे सिंगर थे सागर भाटी सुत अभियानकर म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और कोरस अरेंजमेंट सुभियाकर ने किया हुआ था म्यूजिक का सुपरवाइजर थे अजीम दयानी मेगा और विकास बाली रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे अवधूत वाटकर मोहसिन राजा और रुमेट ने उसके बाद में मिक्स और मास्टरिंग एरिक पिल्लाई ने की हुई थी तबला ढोलक का काम खान ने किया हुआ था और इस गाने को पूरी तरह से कंपोज किया हुआ था जी वी प्रकाश कुमार ने और इस गाने को जब रिलीज़ किया गया टाइम्स म्यूजिक के ऊपर वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म के जो गाने हैं जो सुनने को अभी तक मिले दो गाने वो डेफिनेटली फिल्म का जो जो एक बैकग्राउंड uh, बताया गया जिस तरह से फिल्म के एक माहौल में बनाया गया उसके साथ पूरी तरह से मज होते हुए नज़र आते हैं बैकग्राउंड स्कोर भी डेफिनेटली पूरी तरह से हिट करता हुआ नज़र आता है टीजर ट्रेलर में जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो कास्टिंग देखने को मिलती है वो एक ऑन दी पॉइंट नज़र आती है डायरेक्टर सेम है इस वजह से जो फीलिंग है वो भी सेम नजर आ रही है जो फिल्म आई थी सुरा राय पोत्रू उसी तरह की एक पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है अब देखने वाली बात है कि उडान फिल्म को भी हिंदी डब में अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर अभी भी अवेलेबल रखा हुआ है तो सूरा राय डब वर्जन है उसको कई सारे लोगों ने देखा हुआ है अब इस सरफेरा का जो रिमेक वर्जन बनाया पोत्रू का तो उसको लोग कितना सराहना करते क्योंकि डब्ड वर्जन अवेलेबल है उस वजह से अब देखते चीजें सही बैठी हुई है टीजर ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है अगर आप दिमाग से सूरा राय पोत्रू का उड़ान हिंदी डब वर्जन अगर निकाल देते हो तो डेफ़िनेटली अगर ये फ्रेश फिल्म के तौर पे अगर कोई देखेगा तो उसको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि डायरेक्टर सेम है कास्टिंग अच्छी की गई अक्षय कुमार एक मंजे हुए कलाकार है परेश रावल जिन्होंने ऑलरेडी एक मंजे हुए कलाकार है ऑलरेडी वो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल प्ले कर रहे हैं तो चीज़ें कहीं सही जाते हुए नज़र आ रहे म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन दिक्कत एक यही है कि ये फिल्म रीमेक फिल्म है जहाँ पे डब्ड वर्जन ऑलरेडी चार साल पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया था अब देखने वाली बात ये है कि इस रिमेक वर्जन को लोग कितना क्या कि सराहते अगर लोग भुला के इस फिल्म को देखने जाते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट कर दे क्योंकि ये थिएट्रिकली उड़ान फिल्म को नहीं एंजॉय किया था इस फिल्म को अगर कर पाए तो तो ये सभी चीज़ें अगर इस कुछ एस्पेक्ट के साथ ये फिल्म चलती है आगे बढ़ती है तो डेफ़िनेटली चलेगी जहाँ पे इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें 12 जुलाई 2024 की डेट सामने निकल के आई हुए थिएट्रिकल इस फिल्म को ये सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ करने वाले जहाँ पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तो फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ तो डेफिनेटली मिलने वाली है वैसे आसपास में काफ़ी बड़ी फिल्म है इस फिल्म के साथ इंडियन टू जो हिंदुस्तानी टू नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में हिंदी मार्केट में रिलीज़ होगी लेकिन इस फिल्म को उतना कुछ असर नहीं होगा वैसे सरफ्रा फिल्म थिएट्रिकली अगर 12 जुलाई 2024 को पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करती है तो डेफ़िनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन करने की क्षमता रखती है क्योंकि रिमेक फिल्म में इस वजह से 150 करोड़ बोल रहा हूँ अदरवाइज़ अगर ये फिल्म फ्रेश आई होती या डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं होता ऑफिशियली उड़ान का या सरसूरा राय पोत्रू का उड़ान वर्जन नहीं अवेलेबल होता तो डेफिनेटली फिल्म ढाई सौ करोड़ के ऊपर जाने की क्षमता रखती है अभी सौ डेढ़ सौ दो सौ करोड़ के आसपास अगर ये फिल्म कलेक्शन कर लेती है सौ करोड़ का भी कलेक्शन पार करती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन हो गया इस फिल्म के लिए क्योंकि फिल्म को ऑलरेडी लोगों ने ओरिजिनल वर्जन में देखा हुआ है लेकिन सरफ्रा जो इसका टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है वो डेफिनेटली पूरी तरह से ऑडियंस को अपील करते हुए नजर आते हैं अब देखने वाली बात है कि इसमें चेंजेस किस तरह से डायरेक्टर ने किए हुए हैं किस तरह से क्या चीज़ें सही बैठती है वो सभी चीज़ें रिलीज के बाद ही पता चलेगी अब ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो स्टार नेटवर्क के द्वारा राइट्स खरीदे गए डिजनी प्लस हॉट स्टार और स्टार गोल्ड के द्वारा तो थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ही आपको डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सरपीरा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पर फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरफिरा फिल्म फिलहाल में आप थिएट्रिकली 12 जुलाई 2024 से एंजॉय कर पाओगे वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ये फिल्म डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन प्रीमियर होती हुई नजर आएगी इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल स्टार गोल एच चैनल के ऊपर ओ टी रिलीज के कुछ महीनों के बाद बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सूर राय पोत्रु फिल्म आप ऑफिशियली ओ और, और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे सर जो दो हज़ार चौबीस के इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कौंगरान, सुधा कोंगरा सुधा कोंगरा ने डायलॉग्स पूजा तोलानी के थे स्क्रीन प्ले सुधा कोंगरा और सालिनी उषा देवी ने लिखा हुआ है सुधा कोंगरा के ऊपर बातचीत करें तो एक साउथ इंडियन डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले कई ऐसी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है जो हिंदी में एक साला खड़ूस करके आई थी वो फिल्म उन्होंने ही डायरेक्ट की हुई थी तो वो उन्होंने 2020 में एक सूरा राय पोत्रू करके फिल्म बनाई हुई थी सूरा राय पोत्रू का मीनिंग होता है प्रेज द ब्रेव यानी कि बहादुरी को आप सराहना करो तो वो एक 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म थी एक सिंपली डेक्कन करके बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था सिंपलीफाई अ डेक्कन ओडेसी करके एक बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ था तो वहाँ पे सूर्या ज्योति का उसके द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सूर्या अपर्णा बाला मुरली परेश रावल उसमें लीड रोल में थे उसको डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे सूर्या राय राय पोत्रू को हिंदी डब में उड़ान नाम के साथ गोल्ड ने खरीद कर अमेजॉन प्राइम वीडियो को ही बेचा हुआ था हिंदी डब वर्जन तो उड़ान को नाम से वहाँ पर प्रीमियर हुआ था तो सूर्या राय पोत्रू ने काफ़ी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया था तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और उड़ान नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में और फिल्म ने काफ़ी वाहवाही बटोरी हुई थी उसी समय इस फिल्म के रीमेक के राइट्स बेच दिए गए थे हिंदी वर्जन के रीमेक के राइट्स खरीदे गए थे जहाँ पे सुधा कोंगरा को ही अप्रोच किया गया था एज ए डायरेक्टर के तौर पे इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो अरुणा भाटिया विक्रम मल्होत्रा ज्योतिका और सूर्य के द्वारा इस फिल्म को अबुदंतिया एंटरटेनमेंट टू एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक अच्छे बजट में बनाया हुआ है वैसे उड़ान फिल्म सभी लोगों ने देखी हुई है लेकिन अक्षय कुमार को लेते हुए हिंदी वर्जन बनाया हुआ है तब जिन्होंने उस फिल्म को डब फिल्म को नहीं देखा है या अक्षय कुमार की फ़ैन है उनके लिए फिल्म डेफिनेटली एक अच्छी वर्क करेगी क्योंकि डायरेक्टर सेम है तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम ही रहने वाली है सिर्फ लोकेशंस और जो एक नॉर्थ इंडियन साइड थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की जाएगी जो एक नेटिविटी के हिसाब से चीज़ों को चेंज किया जाएगा इस फिल्म को महाराष्ट्र में बेस्ड किया हुआ है वो फिल्म तमिलनाडु चेन्नई में बेस्ड थी इस फिल्म की कास्ट में आपको अक्षय कुमार देखने को मिल जाएंगे राधिका मदन और परेश रावल तो परेश रावल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी निकेत बोमी रेड्डी ने की हुई है एडिटिंग है वो सतीश सूर्या ने की हुई है इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश तनिष बागची और सुहित अभियंकर के द्वारा कंपोज किए हुए जंगली म्यूजिक के द्वारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए इसके अलावा इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी आपको ही सुनने को मिलेगा क्योंकि इस फिल्म का जो और एक बात और है इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि सोरा राय पोथ्रू भी उ, उन्होंने ही डब किया सॉरी उन्होंने ही कंपोज किए उन्होंने मतलब कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जीवी प्रकाश कुमार ने ही ओरिजिनल गानों को कंपोज किया हुआ है यानी कि ओरिजिनल वर्जन था उसका जो स, उसके जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स उनके ही द्वारा कंपोज़ किए गए थे तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों जिस वजह से इसमें भी उनको रिप्राइज किया हुआ है तो शायद आपको म्यूजिक भी लगभग लगभग सेम सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर तो डेफिनेटली सेम होगा गानों में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे अभी तक तो एक दो ही गाने इस फिल्म के रिलीज़ किए गए हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे जहाँ पे गानों को जंगली म्यूज़िक ने टाइम्स म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ किया हुआ क्योंकि वही ओन करता है उस यूट्यूब चैनल को उस कंपनी को कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार वीर महात्रे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे परेश रावल ने परेश गोस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के एंटागोनिस्ट है राधिका मदन वीर की वाइफ का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी आर शरद कुमार ने वीर के कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स में है वही रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने वीर का माँ का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या के केम्यो डेफिनेटली देखने को मिलेगा वो किस तरह से एड किया है वो पता नहीं लेकिन में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस फिल्म की कहानी भी वही सोरा रय पोत्रू की तरह बनाई गई है जहाँ पे जो सिंपलीफ्लाई या डेक्कन ओडिसी करके जो बुक है उससे इंस्पायर्ड होकर इसको चेंज इसको बनाया हुआ है डेफ़िनेटली इस फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे लेकिन बेसिक पॉइंट है वो सेम रहेगा एक का वीर महात्रा नाम का इसमें व्यक्ति दिखाया जाएगा जो एक एयरफोर्स में कमांडिंग ऑफिसर है बाद में उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घंट घटनी घटती है उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो एक एयरलाइंस स्टार्ट करेगा ऐसी एयरलाइंस बनाएगा जो लो इनकम पीपल है जिसकी कमाई कम है वो इस फिल्म में दिखाया गया कि वो उसमें सफ़र कर पाए और ये डेफिनेटली पास्ट में बनी ही ये सभी चीज़ें हुई है जहाँ पे जीआर गोपीनाथ के द्वारा जो बुक लिखी गई थी तो वही बुक के ऊपर इस फिल्म को डेवलप किया बनाया हुआ तो ट्रू स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें कि जन बारह जन जुलाई दो हज़ार इक्कीस को ज्योतिकार सूर्य के, के द्वारा इस फिल्म के टू डेट ने अनाउंस किया था कि वो सूर्य राय पोत्रू का रीमेक वर्जन है हिंदी वो प्रोड्यूस करने वाले जहां पे सुधा कोंगरा ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जहां पे इस फिल्म के रीमेक के लिए वो विक्रम मल्होत्रा जो अभि अभुनतया एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है उसके साथ कोलॉबेट करने वाले रिपोर्ट पता चला था कि अजय देवगन जॉन अब अक्षय कुमार ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स को सूर्या का जो रोल था उसके लिए अप्रोच किया जा रहा है कंसिडर किया जा रहा है लेटर ऑन बाद में चीज़ें पता चली जिस तरह से जो एक्टर्स बिजी थे उस हिसाब से चेक चेक किया गया तब अगस्त में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि आ, इस फिल्म में जो को प्रोड्यूसर है वो ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर सीखिया एंटरटेनमेंट ही होने उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की हुई थी कि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उनके साथ कुछ बातचीत नहीं हुई रिमिक के राइट्स के ऊपर हाउ लेटर ऑन अबोदया एंटरटेनमेंट ने सभी चीज़ों को विदाउट कंसर्न सभी चीज़ों का था को पेश किया होता कोर्ट में जा बाद में अर्ली सेम में के केस को क्लोज किया गया था सिक्ख्या एंटरटेनमेंट इस प्रोडक्शन में नहीं जुड़ी थी अक्षय कुमार को बाद में अनाउंस किया गया 25 अप्रैल 2022 को कि वो सूर्या का रोल रिप्राइज करने वाले और वही इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी करेंगे इस फिल्म की पूजा सेरेमनी मुंबई में रखी गई थी जहाँ पे काट और क्रू मेंबर शामिल थे जहाँ पे बताया गया राधिका मदन और परेश रावल भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था तेरह फरवरी दो को फिल्म की जब रिलीज डेट अनाउंस की गई उसके साथ ही अनाउंस किया गया था बारह जुलाई दो हज़ार रिलीज डेट फिक्स की गई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो पहले शेड्यूल के साथ मुंबई में 25 अप्रैल 2022 को स्टार्ट की गई थी राधिका मदन ने अपने पोर्शन की शूटिंग थी तेईस अक्टूबर तक कंप्लीट करवाई थी उसके बाद में 2023 तक इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम ले जाया गया था और फिल्म की प्रॉपर रिलीज डेट के लिए इस फिल्म को बाद में दो के लिए पोस्टपोन किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनल फिल्म में जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए थे वो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए वैसे सॉन्ग्स में उनको तनिज भागती और सुहित अभियानकर की भी मदद मिली हुई है लिरिक्स में मनोज मुंतासिर श्लोक लाल तनिस बाकी जैसे कंपोज़र भी जुड़े हुए थे लिरिक्स जुड़े हुए थे अप्रैल 2022 में अनाउंस किया गया था कि जी प्रकाश के द्वारा कि वो इस फिल्म का पहला गाना कंपोज़ किए हुए जहाँ पे सेकंड कोलाब्रेशन है सुधा कोंगारा के द्वारा उनके ससुराल राई पोत्र के बाद और अक्षय कुमार के द्वारा दो सात पहला कोलाब्रेशन है म्यूजिक के राइट्स जंगली म्यूजिक ने खरीदे हुए थे उन्होंने टाइम्स म्यूजिक के चैनल के ऊपर इसका पहला गाना रिलीज़ किया मार उड़ी जिसको चौबीस जून दो को रिलीज किया गया था लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर ने और म्यूजिक वी प्रकाश कुमार ने दिया हुआ था यादू कृष्णन सुगंधा शेखर और हस्तोन रोड्रिगस और अभिजीत राव ने उसको गाया हुआ था तो ये इतने सिंगर्स थे जिन्होंने गाना गाया था इस गाने को एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में टाइम्स म्यूजिक के द्वारा सत्ताईस जून दो को इसका सेकंड जहाँ पे खुदाया करके उस गाने का नाम रखा हुआ था उस गाने को लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर शुक्ला ने वहीं पे सिंगर थे सागर भाटी सुत अभियानकर म्यूजिक का प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और कोरस अरेंजमेंट सुभियांकर ने किया हुआ था म्यूजिक का सुपरवाइजर थे अजीम दयानी मेगा और विकास बाली रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे अवधूत वाटकर मोहसिन राजा और अभियर रूमेट ने उसके बाद में मिक्स और मास्टरिंग एरिक पिल्लाई ने की हुई थी तबला ढोलक का काम खान ने किया हुआ था और इस गाने को पूरी तरह से कंपोज किया हुआ था जी वी प्रकाश कुमार ने और इस गाने को जब रिलीज़ किया गया टाइम्स म्यूजिक के ऊपर वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म के जो गाने हैं जो सुनने को अभी तक मिले हैं दो गाने वो डेफिनेटली फिल्म का जो जो एक बैकग्राउंड uh, बताया गया जिस तरह फिल्म के एक माहौल में बनाया गया उसके साथ पूरी तरह से मज़ होते हुए नजर आते बैकग्राउंड स्कोर भी डेफिनेटली पूरी तरह से हिट करता हुआ नजर आता है टीजर ट्रेलर में जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो कास्टिंग देखने को मिलते हैं वो एक ऑन दी पॉइंट नजर आती है डायरेक्टर सेम है इस वजह से जो फीलिंग है वो भी सेम नज़र आ रही है जो फिल्म आई थी सुरा राय पोत्रू उसी तरह की एक पॉजिटिव वाइब नजर आ रही है अब देखने वाली बात यह कि उडान फिल्म को भी हिंदी डब में अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अभी भी अवेलेबल रखा हुआ है तो राय पोत्रु का जो ये हिंदी डब वर्जन है उसको कई सारे लोगों ने देखा हुआ है अभी इस सरफेरा का जो रिमेक वर्जन बनाया है सूरारा पोत्रु का तो उसको लोग कितना सराहना करते क्योंकि डब ड वर्जन अवेलेबल है उस वजह से अब देखते चीजें सही बैठी हुई है टीजर ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है अगर आप दिमाग से स्वरा राय पोत्रु का उड़ान हिंदी डब वर्जन अगर निकाल देते हो तो डेफ़िनेटली अगर ये फ्रेश फिल्म के तौर पर अगर कोई देखेगा तो उसको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि डायरेक्टर से हमें कास्टिंग अच्छी की गई अक्षय कुमार एक मंजे हुए कलाकार है परेश रावल जिन्होंने ऑलरेडी एक मंजे हुए कलाकार है ऑलरेडी वो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल प्ले कर रहे हैं तो चीज़ें कहीं सही जाती हुई नज़र आ रहे म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन दिक्कत एक यही है कि ये फिल्म रीमेक फिल्म है जहाँ पे डब्ड वर्ज़न ऑलरेडी चार साल पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया था अब देखने वाली बात ये है कि इस रीमेक वर्जन को लोग कितना क्या कि सराहाते अगर लोग भुला के इस फिल्म को देखने जाते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट कर दे क्योंकि ये थिएट्रिकली उड़ान फिल्म को नहीं एंजॉय किया था इस फिल्म को अगर कर पाए तो तो ये सभी चीज़ें अगर इस कुछ एस्पेक्ट के साथ ये फिल्म चलती दे, आगे बढ़ती है तो डेफ़िनेटली चलेगी जहाँ पे इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें 12 जुलाई 2024 की डेट सामने निकल के आई हुए थिएट्रिकल इस फिल्म को ये सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ करने वाले जहाँ पे पेन कर एंटरटेनमेंट इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तो फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ तो डेफ़िनेटली मिलने वाली है वैसे आसपास में काफ़ी बड़ी फिल्में इस फिल्म के साथ इंडियन टू जो जो हिंदुस्तानी टू नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में हिंदी मार्केट में रिलीज़ होगी लेकिन इस फिल्म को उतना कुछ असर नहीं होगा वैसे सरफ्रा फिल्म थिएट्रिकली अगर 12 जुलाई 2024 को पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करती है तो डेफ़िनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन करने की क्षमता रखती है क्योंकि रीमेक फिल्म में इस वजह से 150 करोड़ बोल रहा हूँ अदरवाइज अगर ये फ़िल्म फ्रेश आई होती या डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं होता ऑफिशियली उड़ान का या सरसुरा राय पोत्रू का उड़ान वर्जन नहीं अवेलेबल होता तो डेफिनेटली फिल्म ढाई सौ करोड़ के ऊपर जाने की क्षमता रखती है अभी सौ डेढ़ सौ दो सौ करोड़ के आसपास अगर ये फिल्म कलेक्शन कर लेती है सौ so, करोड़ का भी कलेक्शन पार करती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन हो गए इस फिल्म के लिए क्योंकि ये फिल्म को ऑलरेडी लोगों ने ओरिजिनल वर्जन में देखा हुआ है लेकिन सरफिरा जो इसका टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है वो डेफ़िनेटली पूरी तरह से ऑडियंस को अपील करते हुए नज़र आते हैं अब देखने वाली बात है कि इसमें चेंजेस किस तरह से डायरेक्टर ने किए हुए हैं किस तरह से क्या चीज़ें सही बैठती है वो सभी चीज़ें रिलीज के बाद ही पता चलेगी अब ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो स्टार नेटवर्क के द्वारा राइट्स खरीदे गए डिजनी प्लस होट स्टार और स्टार गोल्ड के द्वारा तो थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ही आपको डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सरफिरा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा ओ रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पर फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सरफिरा फिल्म फिलहाल में आप थिएट्रिकली बारह जुलाई दो से इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ये फिल्म डिजनी प्लस हो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सूर राय पोत्रू फिल्म आप ऑफिशियली ओ और, और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे सर जो दो हज़ार चौबीस इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कौंगरान, सुधा कोंगरा ने सुधा कोंगरा ने डायलॉग्स पूजा तोलानी के थे स्क्रीन प्ले सुधा कोंगरा और सालिनी उषा देवी ने लिखा हुआ है सुधा कोंगरा के ऊपर बातचीत करें तो एक साउथ इंडियन डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले कई ऐसी फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ है जो हिंदी में एक साला खड़ूस करके आई थी वो फिल्म उन्होंने ही डिरेक्ट की हुई थी तो वो उन्होंने 2020 में एक सूरा राय पोत्रू करके फिल्म बनाई हुई थी सूरा राय पोत्रू का मीनिंग होता है प्रेज द ब्रेव यानी कि बहादुरी को आप सराहना करो तो वो एक 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म थी एक सिंपली डेक्कन करके बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था सिंपलीफाई अ डेक्कन ओडेसी करके एक बुक है उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ था तो वहाँ पे सूर्या ज्योति का उसके द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सूर्या अपर्णा बाला मुरली परेस रावल उसमें लीड रोल में थे उसको डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे सूर्या राय राय पोत्रू को हिंदी डब में उड़ान नाम के साथ गोल्ड माइंड ने ख़रीद कर अमेजोन प्राइम वीडियो को ही बेचा हुआ था हिंदी डब वर्जन तो उड़ान को नाम से वहाँ पर प्रीमियर हुआ था तो सूर्या राय पोत्रो ने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल किया था तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और उड़ान नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में और फिल्म ने काफ़ी वाहवाही बटोरी हुई थी उसी समय इस फिल्म के रीमेक के राइट्स बेच दिए गए थे हिंदी वर्जन के रीमेक के राइट्स खरीदे गए थे जहाँ पे सुधा कोंगरा को ही अप्रोच किया गया था एज ए डायरेक्टर के तौर पे इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो अरुणा भाटिया विक्रम मल्होत्रा ज्योतिका और सूर्य के द्वारा इस फिल्म को अबुदंतिया एंटरटेनमेंट टू एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक अच्छे बजट में बनाया हुआ है वैसे उड़ान फिल्म सभी लोगों ने देखी हुई है लेकिन अक्षय कुमार को लेते हुए हिंदी वर्जन बनाया हुआ है तब जिन्होंने उस फिल्म को डब फिल्म को नहीं देखा है या अक्षय कुमार की फ़ैन है उनके लिए फिल्म डेफिनेटली एक अच्छी वर्क करेगी क्योंकि डायरेक्टर सेम है तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम ही रहने वाली है सिर्फ लोकेशंस और जो एक नॉर्थ इंडियन साइड थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की जाएगी जो एक नेटिविटी के हिसाब से चीज़ों को चेंज किया जाएगा इस फिल्म को महाराष्ट्र में बेस्ड किया हुआ है वो फिल्म तमिलनाडु चेन्नई में बेस्ड थी इस फिल्म की कास्ट में आपको अक्षय कुमार देखने को मिल देंगे राधिका मदन और परेश रावल तो परेश रावल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी निकेत बोमी रेड्डी ने की हुई है एडिटिंग है वो सतीश सूर्या ने की हुई है इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश तनिष बागची और सुहित अभियंकर के द्वारा कंपोज किए हुए जंगली म्यूजिक के द्वारा म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए इसके अलावा इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी आपको राए सुनने को मिलेगा क्योंकि इस फिल्म का जो और एक बात और है इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि सोरा राय पोत्रू ने भी उन्होंने ही डब किया सॉरी उन्होंने ही कंपोज किए उन्होंने मतलब कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जे प्रकाश कुमार ने ही ओरिजिनल गानों को कंपोज किया हुआ है यानी कि ओरिजिनल वर्ज़न था उसका जो उसके जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स उनके ही द्वारा कंपोज़ किए गए थे तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों जिस वजह से इसमें भी उनको रिप्राइज किया हुआ है तो शायद आपको म्यूजिक भी लगभग लगभग सेम सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर तो डेफ़िनेटली सेम होगा गानों में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे अभी तक तो एक दो ही गाने इस फिल्म के रिलीज़ किए गए हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे जहाँ पे गानों को जंगली म्यूजिक ने टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ किया हुआ क्योंकि वही ओन करता है उस यूट्यूब चैनल को उस कंपनी को कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार वीर महात्रे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे परेश रावल ने परेश गोस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म के एंटागोनिस्ट है राधिका मदन वीर की वाइफ का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी आर शरद कुमार ने वीर के कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स में है वही रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने वीर का माँ का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या के केमियो डेफिनेटली देखने को मिलेगा वो किस तरह से एड किया है वो पता नहीं लेकिन में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस फिल्म की कहानी भी वही सोरा रय पोत्रू की तरह बनाई गई है जहाँ पे जो सिंपलीफ्लाई या डेक्कन ओडिसी करके जो बुक है उससे इंस्पायर्ड होकर इसको चेंज इसको बनाया हुआ है डेफ़िनेटली इस फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे लेकिन बेसिक पॉइंट है वो सेम रहेगा एक वीर महात्रा नाम का इसमें व्यक्ति दिखाया जाएगा जो एक एयरफोर्स में कमांडिंग ऑफिसर है बाद में उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घंट घटनी घटती है उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो एक एयरलाइंस स्टार्ट करेगा ऐसी एयरलाइंस बनाएगा जो लो इनकम पीपल है जिसकी कमाई कम है वो इस फिल्म में दिखाया गया कि वो उसमें सफ़र कर पाए और ये डेफिनेटली पास्ट में बनी ही ये सभी चीज़ें हुई है जहाँ पे जे आर गोपीनाथ के द्वारा जो बुक लिखी गई थी तो वही जे, जे 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 बुक के ऊपर इस फिल्म को डेवलप किया बनाया हुआ तो ट्रू स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें कि वो जन बारह जन जुलाई दो हज़ार इक्कीस को ज्योतिकार सूर्या के द्वारा इस फिल्म के टूडेंट ने अनाउंस किया था कि वो सूर्य राय पोत्रू का रीमेक वर्जन है हिंदी वो प्रोड्यूस करने वाले जहां पे सुधा कुंगरा ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जहां पे इस फिल्म के रीमेक के लिए वो विक्रम मल्होत्रा जो अभि अभुंतिया एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है उसके साथ कोलॉबरेट करने वाले रिपोर्ट एटली पता चला था कि अजय देवगन जॉन अब्राहम अक्षय कुमार ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स को सूर्या का जो रोल था उसके लिए अप्रोच किया जा रहा है कंसिडर किया जा रहा है लेटर ऑन बाद में चीज़ें पता चली जिस तरह से जो एक्टर्स बिजी थे उस हिसाब से चेक चेक किया गया तब अगस्त में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि आ, इस फिल्म में जो को प्रोड्यूसर है वो ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर सीखे एंटरटेनमेंट थी उन्हें उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की हुई थी कि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उनके साथ कुछ बातचीत नहीं हुई रिमेक के राइट्स के ऊपर हाउ एर लेटर ऑन अवोदया एंटरटेनमेंट ने सभी चीज़ों को आ, विदाउट कंसर्न सभी चीज़ों का पेस को हम पेश किया होता कोर्ट में जा बाद में अर्ली सेम में केस के को क्लोज किया गया था सीखे एंटरटेनमेंट इस प्रोडक्शन में नहीं जुड़ी थी अक्षय कुमार को बाद में अनाउंस किया गया 25 अप्रैल 2022 को कि वो सूर्या का रोल रिप्राइज करने वाले और वही इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी करेंगे इस फिल्म की पूजा सेरेमनी मुंबई में रखी गई थी जहाँ पे काट और क्र्यू मेंबर शामिल थे जहाँ पे बताया गया राधिका मदन और परेश रावल भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था तेरह फरवरी दो को फिल्म की जब रिलीज डेट अनाउंस की गई उसके साथ ही अनाउंस किया गया था बारह जुलाई दो को रिलीज डेट फिक्स की गई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो पहले शेड्यूल के साथ मुंबई में 25 अप्रैल 2022 को स्टार्ट की गई थी राधिका मदन ने अपने पोर्शन की शूटिंग थी तेईस अक्टूबर तक कंप्लीट करवाई थी उसके बाद में 2023 तक इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम ले जाया गया था और फिल्म की प्रॉपर रिलीज डेट के लिए इस फिल्म को बाद में दो के लिए पोस्टपोन किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओरिजिनल फिल्म में जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए थे वो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए वैसे सॉन्ग्स में उनको तनिज भाग्य और सुहित अभियानकर के भी मदद मिली हुई है लिरिक्स में मनोज मुंतासिर श्लोक लाल तनिस बागची जैसे कंपोजर भी जुड़े हुए थे लिरिक्स जुड़े हुए थे अप्रैल 2022 में अनाउंस किया गया था कि जीवी प्रकाश के द्वारा कि वो इस फिल्म का पहला गाना कंपोज किए हुए जहाँ पे सेकंड कोलाब्रेशन है सुधा कोंगारा के द्वारा उनके सुसुर पोत्रु के बाद और अक्षय कुमार के द्वारा दो सात पहला कोलाब्रेशन है म्यूजिक के राइट्स जंगली म्यूजिक ने खरीदे हुए थे उन्होंने टाइम्स म्यूजिक के चैनल के ऊपर इसका पहला गाना रिलीज़ किया मार उड़ी जिसको चौबीस जून दो हजार चौबीस को रिलीज किया गया था लिखा हुआ था मनोज मुंतासिर ने और म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार ने दिया हुआ था यादव कृष्णन सुगंधा शेखर और हस्तोन रोड्रिगस और अभिजीत राव ने उसको गाया हुआ था तो ये इतने सिंगर्स थे जिन्होंने ये गाना गाया था इस गाने को एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में टाइम्स म्यूजिक के द्वारा सत्ताईस जून दो हज़ार चौबीस को इसका, इस इसका सेकंड यहाँ पे खुदाया करके उस गाने का नाम रखा हुआ था उस गाने को लिखा हुआ था मनोज मुंता शुक्ला ने वहीं पर सिंगर थे सागर भाटी अभियान कर म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और कोरस अरेंजमेंट सुभानकर ने किया हुआ था म्यूजिक का सुपरवाइजर थे अजीम दयानी मेगा और विकास बाली रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे अवधूत वाटकर मोहसिन राजा और अभियर रोमेड ने उसके बाद में मिक्स और मास्टरिंग एरिक पिल्लाई ने की हुई थी तबला ढोलक का काम खान ने किया हुआ था और इस गाने को पूरी तरह से कंपोज किया हुआ था जी वी प्रकाश कुमार ने और इस गाने को जब रिलीज़ किया गया टाइम्स म्यूजिक के ऊपर वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है फिल्म के जो गाने हैं जो सुनने को अभी तक मिले हैं दो गाने वो डेफिनेटली फिल्म का जो जो एक बैकग्राउंड uh, बताया गया जिस तरह फिल्म के एक माहौल में बनाया गया उसके तरह साथ पूरी तरह से मज होते हुए नज़र आते हैं बैकग्राउंड स्कोर भी डेफिनेटली पूरी तरह से हिट करता हुआ नजर आता है टीजर ट्रेलर में जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो कास्टिंग देखने को मिलते है, वो एक ऑन दी पॉइंट नज़र आती है डायरेक्टर सेम है इस वजह से जो फीलिंग है वो भी सेम नज़र आ रही है जो फिल्म आई थी सुरा राय पोत्रू उसी तरह की एक पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है अब देखने वाली बात है कि उडान फिल्म को भी हिंदी डब में अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अभी भी अवेलेबल रखा हुआ है तो राय पोत्रु का जो ये हिंदी डब वर्जन है उसको कई सारे लोगों ने देखा हुआ है अभी इस का जो रीमेक वर्जन बनाया है और सुरारा पोत्रू का तो उसको लोग कितना सराहना करते क्योंकि रिमे डब्ड वर्जन अवेलेबल है उस वजह से अब देखते हैं चीज़ें सही बैठी हुई है टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है अगर आप दिमाग से सूरा राय पोत्रू का उड़ान हिंदी डब वर्जन अगर निकाल देते हो तो डेफ़िनेटली अगर ये फ्रेश फिल्म के तौर पर अगर कोई देखेगा तो उसको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि डायरेक्टर सेम है कास्टिंग अच्छी की गई अक्षय कुमार एक मंजे हुए कलाकार है परेश रावल जिन्होंने ऑलरेडी एक मंजे हुए कलाकार है ऑलरेडी वो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल प्ले कर रहे हैं तो चीज़ें कहीं सही जाते हुए नज़र आ रहे हैं म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन दिक्कत एक यही है कि ये फिल्म रीमेक फिल्म है जहाँ पे डब्ड वर्जन ऑलरेडी चार साल पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया था अब देखने वाली बात ये है कि इस रिमेक वर्जन को लोग कितना क्या कि सराहते अगर लोग भुला के इस फिल्म को देखने जाते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट कर दे क्योंकि ये थिएट्रिकली उड़ान फिल्म को नहीं एंजॉय किया था इस फिल्म को अगर कर पाए तो तो ये सभी चीज़ें अगर इस कुछ एस्पेक्ट के साथ ये फिल्म चलती है आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली चलेगी जहाँ पे इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें 12 जुलाई 2024 की डेट सामने निकल के आई हुए थिएट्रिकल इस फिल्म को ये सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ करने वाले जहाँ पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तो फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ तो डेफिनेटली मिलने वाली है वैसे आसपास में काफ़ी बड़ी फिल्म है इस फिल्म के साथ इंडियन टू जो हिंदुस्तानी टू नाम के साथ हिंदी डब वर्जन में हिंदी मार्केट में रिलीज़ होगी लेकिन इस फिल्म को उतना कुछ असर नहीं होगा वैसे सरफिरा फिल्म थिएट्रिकली अगर 12 जुलाई 2024 को पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करती है तो डेफ़िनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन करने की क्षमता रखती है क्योंकि रिमेक फिल्म में इस वजह से 150 करोड़ बोल रहा हूँ अदरवाइज अगर ये फिल्म फ्रेश आई होती या डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं होता ऑफिशियली उड़ान का या सरसूरा राय पोत्रू का उड़ान वर्जन नहीं अवेलेबल होता तो डेफिनेटली फिल्म ढाई सौ करोड़ के ऊपर जाने की क्षमता रखती है अभी सौ डेढ़ सौ दो सौ करोड़ के आसपास अगर ये फिल्म कलेक्शन कर लेती है सौ करोड़ का भी कलेक्शन पार करती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन हो गया इस फिल्म के लिए क्योंकि ये फिल्म को ऑलरेडी लोगों ने ओरिजिनल वर्जन में देखा हुआ है लेकिन सरफ्रा जो इसका टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है वो डेफ़िनेटली पूरी तरह से ऑडियंस को अपील करते हुए नज़र आते हैं अब देखने वाली बात है कि इसमें चेंजेस किस तरह से डायरेक्टर ने किए हुए हैं किस तरह से क्या चीज़ें सही बैठती है वो सभी चीज़ें रिलीज के बाद ही पता चलेगी अब ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो स्टार नेटवर्क के द्वारा राइट्स खरीदे गए डिजनी प्लस हॉट स्टार और स्टार गोल्ड के द्वारा तो थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ये आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सरपिरा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर वहाँ पर फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सरफिरा फिल्म फिलहाल में आप थिएट्रिकली 12 जुलाई 2024 से एंजॉय कर पाओगे वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ये फिल्म डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन प्रीमियर होती हुई नजर आएगी इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल स्टार गोल एच चैनल के ऊपर ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सूर राय पोत्रु फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और, और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे तो बस गाय सॉरी सरफरा फिल्म ऑफिशियली आप आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे तो बस गए सरफरा फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दी है इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू